गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एंड आई वेलकम यू ऑल आफ्टर होली। कैसा रहा आपका होली, प्लीज मुझे बताएंगी? हेलो निकिता, सुमित, आई वेलकम यू। ट्राई टू ज्वाइन मी फास्ट, जल्दी से आइए, लाइक कर दीजिए उसके साथ साथ, और भी अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए और बुलाइए सबको। बहुत दिनों बाद क्लास हो रहा है ना? ओके, जल्दी से आइए आप लोग। सुमित, निकिता, जल्दी से शेयर कर दीजिए क्लास को। और इतना अच्छा इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो लास्ट वीक, आपको पता होगा कि हम हर वीक अपना वेंसडे को हमारा होता है, ठीक है? वेंसडे को हमारा मॉर्निंग 10 AM हम रेगुलर अपना करंट अफेयर्स करेंगे, हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर के लिए जो भी इम्पोर्टेंट होगा फ्रॉम लास्ट 1 ईयर टू अटिल नाउ। आप आज तक का जो भी आपका करंट अफेयर्स होगा सब हम करने वाले हैं। सो आप जल्दी से सब लोग आ जाइए और सबको इनवाइट कीजिए, बुलाइए, फिर हम स्टार्ट करते हैं जी। बस 10 लोग देख रहे हैं जी, बड़ी ही मतलब ऋतिक, बहुत दिनों बाद ऋतिक जी आए हैं। उस दिन काफी अच्छे आंसर भी दे रहे थे, उस दिन के बाद आ जाए हैं। गुड मॉर्निंग ऋतिक, हाउ आर यू? तो आपको जैसे पता ही है कि हम हर बुधवार को, बुधवार को हम ये आपका जो करंट अफेयर्स है ये हम करते हैं। आज हम फिर से, हमारा ये सेकेंड क्लास है इस सीरीज में, तो जल्दी से आइए हम फिर स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले मैं आपको बता दूं क्या क्या टॉपिक्स मैं इसमें जो शामिल करने वाली हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट होगा बुद्धिज्म से रिलेटेड बहुत सारी चीजें। बुद्धिज्म आपको पता है, आपका करंट अफेयर्स हो या आपका, या हिस्ट्री से हो, हिस्ट्री में अगर आपका एंशियंट हिस्ट्री की बात करें तो आपका बुद्धिज्म हर साल आपका प्रिलिम्स में जरूर पूछा जाता है, ठीक है? प्रिलिम्स में जरूर बुद्धिज्म का एक क्वेश्चन जरूर मेंशन होता है, तो बुद्धिज्म से एक टॉपिक होगा। उसके साथ साथ आपका करंट अफेयर से रिलेटेड लाइक बहुत सारी कम्युनिटीज मैंने ऐड किया है, बहुत सारे फेस्टिवल्स मैंने ऐड किए हैं इसमें, तो आज का क्लास काफी इम्पोर्टेंट होने वाला है। हेलो अनुज, ओके, कॉलेज एग्जाम में सब बिजी थे, आते ही सब लाइक कर दीजिए। अनुज इज हेयर एंड विवेक एंड ऑफकोर्स अंशु, हेलो, आई वेलकम यू ऑल, जल्दी से आइए, ठीक है जी। चलिए, शैल वी स्टार्ट? हमारा पहला टॉपिक होगा मालाबार रेबलिन। मतलब ये हमने लास्ट, आपको पता होगा कि हम मॉडर्न हिस्ट्री जस्ट खत्म करके आए, और खिलाफत और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कितना अच्छे से हमने डिस्क्राइब भी किया है, वही चीज हम कंटिन्यू रखेंगे। देखिए, मैं एक चीज आपको क्लियर कर दूं, कल से मतलब 1st ऑफ अप्रैल ऑनवर्ड्स हम अपना एंशियंट हिस्ट्री स्टार्ट करने जा रहे हैं यूट्यूब पे, ठीक है? एंशियंट हिस्ट्री, आकाश जी नमस्कार। एंशियंट हिस्ट्री कल से स्टार्ट हो जाएगा, बहुत इंटरेस्टिंग क्लासेस होने वाली हैं, और एकदम क्रिस्प और शॉर्ट करके मैं, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा, बिकॉज हम यहाँ पे प्रीलिम्स फोकस्ड ये कोर्स कर रहे हैं, है ना? प्रीलिम्स फोकस कर रहे हैं, तो प्रीलिम्स के लिए जो चीजें इंपॉर्टेंट है मैं आपको वही कराऊंगी, और उनमें से क्वेश्चन आने के ज्यादा चांसेस होंगे। ओके, सो आज आपका करंट अफेयर्स हो रहा है, 31 मार्च है आज का आखिरी दिन है आज जो महीने का, ठीक है? देन आपका 1st ऑफ अप्रैल मतलब कल से आपका एंशियंट हिस्ट्री स्टार्ट हो जाएगा। एवरीथिंग इज क्लियर? हाँ जी, नमस्कार, नमस्कार आकाश जी, कैसे हैं आप? इसके बाद देखिए, आज का हमारा जो टॉपिक है ये मॉडर्न हिस्ट्री से आप इसको रिलेट कर पाएंगे, बिकॉज हमने याद होगा खिलाफत हमने पढ़ा था, टर्की में क्या हो रहा है, टर्किश सीरियल एंड ऑल सब कुछ हमने डिस्कस कर लिया था जी, ठीक है? आप लोग, आपका क्या क्या, कौन सा टर्किश ड्रामा है आप यहाँ पे लिख सकते हैं, हमें जानकर बड़े अच्छा लगेगा। बिकॉज आजकल हमारे जो टर्किश ड्रामाज बहुत फेमस है यूथ में। और ये देखिए, वहीं से मालाबार रेबेलियन, ये आपका लास्ट, आई थिंक अभिषेक ने पूछा था ये क्वेश्चन, मुझे जहां तक याद है अभिषेक आए थे, अभिषेक ने पूछा था कि मैम ये लाइक मोपला रेबेलियन एक बार आप मुझे बता दीजिए, तो मैंने तब आपको डिस्कस किया था, अच्छे से बताया भी था। देखो, इसमें होता है दो इसके पार्ट होंगे, एक तो आपका जो पीजेंट्स होंगे, पहली बात तो आप ये याद रखेंगे कि ये मालाबार, ये जगह कहाँ पे, ये आपका ऑफकोर्स केरला में है, ठीक है? केरला ये जगह हो जाएगी, वहां पे आपके कुछ पीजेंट्स जो आपके बिलोंग करते थे मुस्लिम कम्युनिटी से, और इनके अपोजिट जो इनके जमींदार थे जिनको जानी बोलते थे, वो आपके बिलोंग करते थे, ठीक
हिंदू कम्युनिटी से, तो हिंदू मुस्लिम का एक तरह से राइवलरी वहां पे हो गया था, बिकॉज जो मनी लेंडर्स थे, जो आपके जमींदार थे, वो ज्यादा इनसे रेंट जब वसूल कर रहे थे, तो इन्होंने रिवोल्ट कर दिया था इनके खिलाफ, ठीक है। सो दैट वॉज द मोपलर रेबेलियन। आर एस शर्मा का क्या क्या पूछना चाहते हैं आप? पप्पू जी नमस्कार, मैम किस मैगजीन से है, कौन सा मैगजीन से बताइए, किस मैगजीन से है का क्या मतलब है, जो टॉपिक इंपॉर्टेंट होते हैं वो है, ओके। चलिए, सो जो आपका मालाबार रेबेलियन, इसमें क्या हुआ था कि ये आपका हिंदू लैंडलॉर्ड्स, ये 1921 के दौरान, और इस टाइम पे आपका कौन सा मूवमेंट चल रहा था, ऑफ कोर्स खिलाफत चल रहा था, उसके साथ साथ आपका नॉन कॉपरेशन चल रहा था, याद आ गया, खिलाफत और नॉन कॉपरेशन, ये दो मूवमेंट चल रहे थे। तो गांधी जी ने यहाँ पे मुस्लिम कम्युनिटी में ज्यादा फेथ बढ़ाने के लिए और मुस्लिम कम्युनिटी को ज्यादा यूनाइटेड फील करने के लिए इन्होंने इस जो रेबेलियन में पार्ट लिया था आपका, ठीक है। राजीव जी नमस्कार, हम तो यहीं थे हम तो यहीं थे, हम कभी गए ही नहीं, जल्दी से शेयर कर दीजिए क्लास को और ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दीजिए, ठीक है राजीव जी, थैंक यू सो मच। मुझे आज भी याद है राजीव जी का कॉन्ट्रीब्यूशन, जब हम 50,000 सब्सक्राइबर्स के लिए बहुत ज्यादा हम मतलब यहाँ पे वर्क कर रहे थे, ठीक है सुमित जी। अच्छा नहीं, क्या पूछना चाहते हैं आप सुमित जी, अपना क्वेश्चन अच्छे से मुझे बताइए, तब मुझे समझ आएगा ना, क्या पूछना चाहते हैं बताइए। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि खिलाफत ये 1921 ये टाइम पीरियड याद रखना, और उसके अलावा 6 महीने तक लंबा ये चला था मालाबार रेबेलियन, और इसमें मतलब ये साउथ इंडिया का है वन ऑफ द लार्जेस्ट और वन ऑफ द बिगेस्ट, इसको रेबेलियन हम कहें तो गलत नहीं होगा, जैसे हमारा नॉर्थ इंडिया में बहुत सारे रेबेलियन हुए इंक्लूडिंग 1857, तो ये साउथ इंडिया का सबसे बड़ा हो जाएगा। इट अकर्ड विद इन द ब्रॉडर स्पेक्ट्रम ऑफ खिलाफत नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बाय द महात्मा गांधी। तो ये जैसे महात्मा गांधी ने नॉन कॉपरेशन और खिलाफत मूवमेंट जैसे इंडिया में चलाए थे, उसी को आगे करते हुए इन्होंने साउथ इंडिया में इसको कनेक्ट कर दिया था मोपला रेबेलियन से, समझ आ गया। ओके नेक्स्ट, इसके बाद देखते हैं कि इसका क्या कॉजेस थे इस रिवॉल्ट के होने के, मतलब क्या क्या रीजंस थे, ऐसा क्या रीजन था, जैसे हमने पढ़ा था कि ये इमीडिएट कॉज था आपका 1857 रिवोल्ट का, कि आपका जो मेनली जो कार्ड्रिजेस थे उनपे ग्रीस थे, आपका जो फैट था एनिमल फैट था वो लगाया हुआ था, तो ये कुछ रीजन थे उस टाइम पे, ठीक है इमीडिएट। अब यहाँ पे मोपला का होने का मेन रीजन क्या था, सबसे पहली बात जो फ्यूडल कॉन्फ्लिक्ट थे ना, मतलब आपका जो नॉर्मल जो पीजेंट्स है और जो वहाँ पे किंग है, किंग मतलब जो लैंडलॉर्ड है या वहाँ पे जो रूलर है, जो रूलर है राजा राज कर रहा है, उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था बहुत पुराना, जैसे कि पीजेंट लैंडलॉर्ड रिलेशंस वर हिस्टोरिकली स्ट्रेन इन द रीजन, जैसे आपका अबाउट 32 अपराइजिंग्स वर ऑर्गेनाइज्ड बाय मोपलास बिटवीन 1836 टू 1919। इसके बीच में देखो मोपला सिर्फ एक बार ये बड़ा नहीं हुआ था, ये बड़ा नाम कब हुआ था कि 1919 में, जब आपका गांधी जी ने इसको ज्वाइन किया था, इससे पहले भी बहुत बड़ी मतलब कई बार छोटे छोटे या उससे बड़े। हाँ बिल्कुल बिल्कुल अंशु जी, रेशमा गुड मॉर्निंग, किरण मई गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, आप रेगुलर मुझे ज्वाइन करने का कोशिश कीजिए, ठीक है मैं ग्रुप में बता भी देती हूँ आप सबको, और मॉर्निंग में आप सबको जैसे पता ही होता है 10 बजे मेरी क्लास होती है, और वेंसडे को स्पेशली ये करंट अफेयर्स का क्लास होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पीडीएफ आपको मिल जाएगा, ओके। और इसके लिए आप रेगुलर क्लासेस में आइए, ओके। चलिए, तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट क्यों हुआ, इससे पहले भी 32 रेबेलियन हो चुके थे मोपला में, ठीक है, जो मोपला कम्युनिटी है और मालाबार वो जगह है, ओके मालाबार जगह है। देन यहाँ पे आपका ब्रिटिश ऑफिशियल्स के खिलाफ और जो असिस्टेंस, मतलब एक तरह से जो इनकी पॉलिसीज थी ब्रिटिशर्स की वो, और आपका जो मुस्लिम कम्युनिटी थी वो। देन एग्रेरियन डिसकंटेंट ने, कैसे कि यहाँ पे जो मोपला टीरेंस थे उनके बीच में ऑप्रेसिव ब्रिटिश पॉलिसीज का जो रिजल्ट था, जैसे आपको रेंट देना, सपोज आपका साउथ इंडिया में क्या चलता था, रियाटवाड़ी, तो रियाटवाड़ी में क्या होता था, रॉट्स होते थे, रॉट्स मतलब पीजेंट्स, और एक वो जो रॉयट होते हैं वो अलग होते हैं, राइट, उनको कंफ्यूज मत होना दोनों में। तो यहाँ पे जो ब्रिटिश पॉलिसीज थी और अंग्रेजों के जो पॉलिसीज थी और यहाँ पे जो एग्रेरियन क्लास थी स्पेशली मालाबार रीजन की, उनके बीच में ये डिस्कंटेंट चल रहा था, ठीक है जी, समझ आ गया यहाँ तक। अब इसको मैं ज्यादा कॉम्प्लिकेट ना करते हुए आपको बताती हूँ कि ये पॉलिटिकली मोबिलाइजेशन हो गया था इस टाइम पीरियड में, 1919 के टाइम पे जब खिलाफत हुआ था तब पॉलिटिकली मोबिलाइज हो गई थी ये कम्युनिटी, कैसे, द कांग्रेस रीच्ड आउट टू द मोपला कल्टिवेटर, मतलब जैसे ही INC इंडियन नेशनल कांग्रेस और इंक्लूडिंग महात्मा गांधी, उनको जब पता चला
कि ऐसे एक कम्युनिटी है और स्पेशली मुस्लिम है, तो उस टाइम पे पूरा माहौल भी ऐसा ही था, हिंदू मुस्लिम हो रहा था बहुत ज्यादा। तो उनको डिस्कंटेंट को शांत करने के लिए गांधी जी अलॉन्ग विद INC जो लीडर्स थे वहां पे गए, और इस वजह से ये जो आपका मूवमेंट था बहुत पॉपुलर भी हुआ। ठीक है, ओके, देन इसके बाद देखते हैं ये आपका, यहाँ पे आप डिटेल्स आप पढ़ लेंगे जब आपको मैं PDF दे दूंगी। ज्यादा मैंने इनके बारे में जो आपका एक्सप्लेन करना था बता ही दिया। अब जी जहां तक खिलाफत की बात करें, किसको खिलाफत समझ नहीं आया जब मैंने पढ़ाया आपको, बताइए। आशिम जी गुड मॉर्निंग, आशिम जी थर्ड ईयर में पहुंच चुके हैं कॉलेज के, कंग्रेचुलेशन। तो आप मुझे बताइए कि खिलाफत जो मूवमेंट मैंने पढ़ाया था आपको, ये किसी को समझ ना आया हो तो बताइएगा मुझे, ठीक है। अंशु, रेशमा, किरणमयी, आप सबको समझ आया पहले जब मैंने खिलाफत पढ़ाया था लास्ट क्लास में? ज्यादा दिन नहीं हुए, बस कुछ ही दिन हुए तभी पढ़ाया था मैंने। इसमें क्या था कि आपका टर्किश जो आपका रेबेलियन था और एक तरह से मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, मेनली टर्किश बेस था। वहां पे जो अली ब्रदर्स थे, शौकत अली और मोहम्मद अली, दो भाइयों ने मिलके ये मूवमेंट चलाया था। इंडिया में कौन थे? इंडिया में मेनली आपका शौकत अली यहाँ पे इनको लीड कर रहे थे। गांधी अलॉन्ग विद शौकत अली द लीडर ऑफ खिलाफत मूवमेंट इन इंडिया विजिटेड कालीकत, मतलब इन्होंने क्या क्या डेवलपमेंट्स की मोपला में, वो यहाँ पे बताया गया है। और ये आपका खिलाफत में कैसे कैसे उसके अलॉन्ग विद ये मूवमेंट जुड़ा हुआ था ये बताया गया है, ठीक है, ओके। देन आपका इसमें अब 1921 में मोपलाज अंडर द रिलीजियस हेड, ये महदुम तंगल प्लेज, ये कौन था? ये आपका जो लीडर था, कौन रिलीजियस लीडर, जैसे कि ये मुस्लिम्स थे, ऑफकोर्स ये मुस्लिम थे तो उनका अपना कोई लीडर था। और जो रिवोल्ट, जो खिलाफत मूवमेंट को यहाँ पे हेड कर रहा था इंडिया में, वो थे शौकत अली। ये आप डिफरेंस याद रखना, ठीक है, ये डिफरेंस जरूरी है याद रखना। देन ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को इन्होंने सपोर्ट किया इस रिलीजियस लीडर ने, इमीडिएट कॉज क्या हुए थे ये जरूरी है आपके लिए, कि एकदम से ऐसा क्या हुआ कि ये रिवोल्ट भड़क गया, ठीक है। अब रिवोल्ट भड़कने के, लोगों के में डिस्कंटेंट आने के क्या क्या रीजन थे इमीडिएटली, ठीक है, ये हुआ था आपका कि मोपलाज जो थे वो आपकी वरियम कुनाथ, ये कुंजमद, ये आपका हाजिर टुक अप द आर्म्स इन ऑगस्ट 1922 ड्यू टू द अरेस्ट ऑफ खिलाफत लीडर अली मुसालियार एंड अ वाइडस्प्रेड रूमर दैट अ प्रोमिनेंट मॉस्क इन थिरुगड़ी हैज बीन रेडेड, ठीक है। तो इनका मेन लीडर जो प्रॉब्लम क्या था मोपलाज का, कि 1921 में एकदम से भड़क क्यों गए? देखो डिस्कंटेंट तो चल रहा था हिस्टोरिकली, एग्रेरियन जो रिवोल्ट था, बट एकदम से भड़कने का जो रीजन था वो ये था कि इनके लीडर को इन्होंने पकड़ लिया था और मेनली जो इनका मॉस्क था वहां पे उन्होंने रेड कर दिया था, ठीक है। तो ये आपका मेन यहाँ पे इमिडिएट रीजन हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट आप देखिए, अब इसके कोर्स ऑफ द रेबेलियन, अब इसमें क्या क्या काम चल रहे थे, इसमें मेनली सबसे बड़ी बात गुरिल्ला वॉरफेयर का टेक्निक का यहाँ पे यूज किया गया था, जो मोपला जो रेबेलियन थे इन्होंने गुरिल्ला वॉरफेयर। अब ये क्या है, कहाँ यूज होता था सबसे ज्यादा, आशिम जी बताएंगे, आशिम जी मुझे बताया जाए कि गुरिल्ला वॉरफेयर सबसे पहले कहाँ आपको सुनने को मिला था, किसने यूज किया था हिस्ट्री में? मैंने आपको बताया है कई बार, राजीव जी बताइए किसने यूज किया था गुरिल्ला वॉरफेयर? मैंने बताया है, बहुत इंटरेस्टिंग है इनकी स्टोरी, बताइए बताइए जरा, और इसका मतलब ही बता दीजिए, मतलब क्या होता है गुरिल्ला का, गुरिल्ला का मतलब क्या, गुरिल्ला के कपड़े पहने गुरिल्ला का जैसा आप अपना मतलब लुकअप करके ऐसे आप लड़ेंगे, बताइए क्या मतलब है इसका, आशिम जी कोई मुझे बताएगा, पप्पू जी और हूसो एवर इज देयर कौन है बताइए, आकाश जी, ऋतिक जी कहाँ गए, कहाँ गए सबके सब, बताइए सब आप, एक छोटा सा क्वेश्चन है मेरा, गुरिल्ला वॉरफेयर क्या होता है, गुरिल्ला टेक्निक क्या होती है लड़ने की, बताएंगे? आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स। किसी को नहीं पता जी, बता दीजिए, मुझे पता है तो अच्छा रहेगा। सपना ने बताया है, गुड मॉर्निंग बोला सपना मुझे लगा सपना ने आंसर भेज दिया है, ओके गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग सपना, कैन यू प्लीज ट्राई टू गिव मी आंसर अबाउट गुरिल्ला वॉरफेयर, व्हाट इज द गुरिल्ला वॉरफेयर, व्हाट इज द एक्चुअल टेक्निक बिहाइंड इट, ओके आप मुझे ये बताएंगे। अच्छा अभी कोई नहीं बता पा रहा, देखिए जी गुरिल्ला टेक्निक आप याद कीजिए, शिवाजी द ग्रेट शिवाजी, छत्रपति शिवाजी जी का टाइम, मराठा से अगर आप बिलोंग करते हैं, मराठा रीजन से, ऑफकोर्स कुछ स्टूडेंट होंगे यहाँ पे वो
जान पाएंगे कि जो आपका गुरिल्ला वॉरफेयर, इसमें क्या होता है कि बड़ी बड़ी, जब आपका, आपको पता है कि डेक्कन एरिया जो है इंडिया का, पेनिनसुलर इंडिया जो है, पहाड़ है ऊंचे ऊंचे, कहीं पेड़ है, कहीं बहुत ज्यादा ऊंचा है, कहीं बहुत ज्यादा नीचा है, मतलब ऐसे डिस्कंटेंट सा है आपका, एक एलोंगेटेड यहाँ पे डाइवर्जन देखने को मिलता है जो आपका पेनिनसुलर इंडिया वहां की ज्योग्राफी में। तो इसका क्या, इस टेक्निक से इन्होंने क्या इस्तेमाल किया कि जैसे ही सपोज पता चलता कि वहां से कोई राजा गुजर रहा है, कोई बड़ा पार्टी जा रहा है, कि बहुत सारे लाइक अमीर पार्टी जा रहा है, तो क्या करना होता था, ये ग्रुप में कम होते थे ये लोग, तो क्या कर रहे, इनके पास रिसोर्सेज नहीं होते थे, तो ये पहाड़ों के पीछे छुपके या पेड़ों के पीछे छुपके, ये छुप के जो अटैक करने का जो टेक्निक है ना, उसको गुरिल्ला वॉरफेयर टेक्निक बोलते हैं। वेरी गुड वेरी गुड। अरे हाँ, आ गए हमारे, मैं इनको कृष्णा को ही ढूंढ रही थी। हाँ जी हाँ जी बिल्कुल, ये देखो अब जाके बोला है शिवाजी महाराज छापा मार। हाँ जी छापा मार, यही बोलना चाहते हैं ये फर्स्ट टाइम 1961 में। नहीं, आशिम, 1961 तो बहुत लेट है ना। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा विवेक ने, बिल्कुल सही कहा कृष्णा ने, बिल्कुल सही कहा, यही मैं सुनना चाहती थी कि ये जो टेक्निक है ना, इसका यहाँ पे इन्होंने भी इस्तेमाल किया। अब इसमें जामनीज, अब ये जामनीज कौन थे, ये वो थे जो लैंड लॉर्ड होते थे, लैंडलॉर्ड्स या जिसको हम जमींदार बोल देते हैं, वो थे ये, कंफ्यूज मत हो जाना, पुलिस एंड ट्रूप्स, ये मतलब पुलिस और उनके खिलाफ इन्होंने ये टेक्निक यूज की। सिंबल्स क्या थे इसके, इसमें था टेलीग्राफ लाइन, जैसे कि आप मतलब सिंबल्स ऑफ ब्रिटिश जो कॉलोनियलिज्म, उसका क्या था, उनकी प्रोग्रेस का मेन रीजन क्या था, जो रेलवे लाइन थी, टेलीग्राफ लाइन थी, कम्युनिकेशन, जो भी टेक्निक थी उन्होंने, जो भी एस्टेब्लिश किया था, उन सबको उखाड़ देना। और ये इनका, इन्होंने क्या किया, ये चीज यूज किया अंग्रेजों के खिलाफ, इसको अपनी मूवमेंट को सक्सेसफुल बनाने में, कि जो जो आपके सिंबल्स थे अंग्रेजों के, वो उन्होंने डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है जी, नेक्स्ट अब आपका एक आ जाता है इंटरेस्टिंग टॉपिक, अहोम किंगडम। अहोम 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 से आप क्या समझते हैं, बताइए। ऋतिक जी स्मॉल ग्रुप, ये आपने अच्छी बात बोली, बट टेक्निक क्या थी वो, ये टेक्निक के बारे में बताना चाहिए ना। स्मॉल ग्रुप, आप ये बता रहे हैं कि मैं क्या पूछ रही हूँ कि मैं ये पूछ रही हूँ कि मतलब जो आम के पेड़ हैं उस पे कितने आम लगे, आप बोल रहे हैं कि नहीं आम बहुत टेस्टी है। नहीं मैं वो नहीं पूछ रही हूँ आपसे, मैं ये पूछ रही हूँ कि आपका ये जो टेक्निक है, इसका मीनिंग क्या था, ये कैसा मीनिंग है, बताइए क्या होता है इसमें। मुकेश जी नमस्कार, प्लीज डू लाइक द क्लास, कर सकते थे बिल्कुल बिल्कुल, मैं पानीपत में थोड़ी कर संख्या भी कम होती, बिल्कुल, क्योंकि पानीपत की जो लैंड है यहाँ पे नदन इंडिया है, वो तो फ्लैट लैंड हो गया ना, पेनिनसुलर इंडिया में ऐसा वो था ज्योग्राफिकल, ठीक है, उसको जो सपोर्ट करता था गुरिल्ला वॉरफेयर को, यहाँ पे नॉर्थ इंडिया में आप ढूंढेंगे तो फ्लैट है सब कुछ, यहाँ तो पॉसिबल ही नहीं है ये। ओके आई होप आप सबको समझ आ रहा है। अब आप मुझे बताइए अहोम से आप क्या समझते हैं जी, अहोम मतलब क्या, अहोम क्या है मुझे बताइए, बेसिकली अहोम से क्या समझते हैं, हाँ थोड़ा सा आप आइडिया लगाइए और मुझे बताएंगे आप। चलिए जी, ये आपका एक तरह से असम में रूल करने वाला एक किंगडम है, अहोम किंगडम एक असम में रूल करने वाला किंगडम है, जो 1228 से, अगर मैं बताऊं 1228 से 1824 के आसपास यहां तक इन्होंने रूल किया है इसमें, ठीक है, इस टाइम पीरियड तक यहाँ पे रूल किया गया है। वेरी गुड वेरी गुड, नाम से भी आप समझ सकते हैं, असोम, पहले देखो असोम बोलते थे असम को, तो ये असोम हो गया, यहाँ से अहोम हो गया, ठीक है, ये आप समझ सकते हैं, ये आपका मेनली एक किंगडम है। यहाँ पे एक लिटरली एक छोटी सी कॉन्ट्रोवर्सी ऑरिजिनेट हुई है, क्या कि एक चाओलिंग सुखापा, सुखापा द फाउंडर ऑफ अहोम किंगडम वॉज रेफर टू एज अ चाइनीज इन्वेडर, मतलब जो अहोम किंगडम जिसने फाउंडर, ये उसका सिंबल है, ठीक है, अहोम किंगडम का, मत पूछना मैम ये क्या बना दिया आपने। ओके तो यहाँ पे क्या मतलब है इसका, कि ये कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई है कुछ दिन पहले ही, कि जो हमारा अहोम किंगडम था उसके जो लीडर थे उनको बताया गया था कि ये चाइनीज इन्वेडर, मतलब इन्होंने चाइना से आए हैं ये हम पे आक्रमण करने, ठीक है जी। ओके प्लीज डू लाइक द क्लास, ऋतिक जी
ये आप गूगल से देख के मुझे पता आंसर बता रहे हैं, अगर आपको पता है ना तो आप उसकी फॉर्म में आंसर दीजिए, राइट। आई अप्रिशिएट दैट यू आर डूइंग वेरी गुड, कि आप अच्छा आंसर दे रहे हैं, बट ये जो आंसर्स हैं ये आप प्लीज कहीं और से ना उठाएं, आप अपनी समझ से आंसर दीजिए, आपको क्या पता है। अहोम किंगडम के बारे में ये एक छोटा सा कॉन्ट्रोवर्सी हो गया। अब इससे रिलेटेड हमें जितनी जितनी इन्फॉर्मेशन है ना हमें कलेक्ट कर पाए वो हमको करना है। पता है क्या होता क्या है, यूपीएससी में जो डायरेक्ट न्यूज होती है ना वो कभी नहीं पूछा जाता आपसे। जैसे कि आपसे यहाँ ये नहीं पूछेगा कि ये जो अहोम किंगडम है इसके लीडर कौन थे, ये नहीं पूछेंगे आपसे, ये कभी नहीं पूछेंगे, बिकॉज पता चल गया, ये तो न्यूज में आ ही गया कि इसके लीडर थे, इस पे कॉन्ट्रोवर्सी हुई है, ये आपसे कभी नहीं पूछेंगे। अब जो क्वेश्चन होगा यहाँ पे वो किस तरीके से होगा कि आपसे अहोम किंगडम के बारे में थोड़ा सा डीपली पूछ लिया, कब स्टार्ट हुआ था, क्या था, इसमें कहाँ तक फैला हुआ, तो कौन सा स्टेट नहीं था, कौन सा स्टेट अहोम किंगडम में नहीं था, ये आपसे इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। ये देखिए ये अहोम किंगडम है आपका, इसमें ये कहाँ कहाँ तक आपको क्या क्या लग रहा है, कौन सा एरियाज होगा इसमें शामिल है। ये देखिए थोड़ा सा आपका ये अगर गारो है यहाँ तक है, तो आपका मेघालय भी, मतलब एक तरह से पूरा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जितने हैं सब में कहीं ना कहीं आपका इंक्लूड होता है अहोम किंगडम, ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से जितने। औरंगजेब ने लूट मचाई थी, क्या बात है, होम से रिलेटेड है औरंगजेब, वेरी गुड, ठीक है। सो इसके बाद ये देखो ये किंगडम है, यहाँ पे मैंने दिखा दिया है पूरा, ये अहोम किंगडम है कंप्लीटली, इसमें ये ब्रह्मपुत्र रिवर आ रही है, ये देख लीजिए, एंड इसके साथ साथ ये कंप्लीट जितने भी स्टेट है नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में वहां सब में इंक्लूड किया जाता है। अब आता है क्वेश्चन, व्हाट हु इज, ये कौन है इनके लीडर, मतलब चाओलम सुखापा ये है कौन एक्चुअली, इनके बारे में जानेंगे कि ये 13th सेंचुरी रूलर है जिन्होंने अहोम किंगडम बनाया था, और ये 6 सेंचुरीज तक इन्होंने नहीं इनके किंगडम ने रूल किया था। अब ये मत बोलना कि मैम ये 600 साल तक क्या एक ही जो पर्सन था वही इतना लंबा टाइम तक रूल कर रहे थे, नहीं, उन्होंने जो किंगडम बनाई थी अहोम वो रूल कर रही थी असम को, समझ आया। हिमांशु जी नमस्कार। तो इसके बाद ये मैंने बताया आपको, तो ये चाओलुंग कौन थे, 13th सेंचुरी के रूलर थे, और मेनली इनके टाइम पे लगभग 600 सालों तक ये जो इनका कम्युनिटी थी, ये जो इनका किंगडम था, ये किंगडम चला था। अब इन्होंने क्या बोला कि बोर असम और ग्रेटर असम ड्यू टू हिज सक्सेसफुल एफर्ट्स टुवर्ड्स द एसिमिलेशन ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज एंड ट्राइब्स, मतलब ये एक तरह से दो कम्युनिटी इसमें पाई जाती है, बोर असम और ग्रेटर असम, टू कमेमोरेट सुखापा एंड हिज रूल, असम सेलिब्रेट असोम दिवस ऑन डिसम्बर 2 एवरी ईयर, हर साल 2 दिसंबर को आपका असोम डे मनाया जाता है, ठीक है, इसी को सेलिब्रेट करने के लिए जो आपका ये कम्युनिटी है, और सुखापा ने जो इसका एस्टेब्लिश किया इसी दिन को यहाँ पे इसका असम का भी एस्टेब्लिशमेंट ईयर माना जाता है, ठीक है, ये हम हर साल सेलिब्रेट करते हैं। सोनिया जी गुड मॉर्निंग, गुड टू सी आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, है ना, कैसे हैं आप। विजय लक्ष्मी जी नमस्कार, हाँ जी बिल्कुल, विजय लक्ष्मी जी आ गए, अपने ढेर सारे थम्स अप लेंगे, एक ही थम्स अप तो देंगे आप, है ना। चलिए लेट्स गेट कंटिन्यू विद, हाँ हाँ जी, अहोम के बारे में हम और थोड़ा जानते हैं कि हाँ वो हो गया है, देखिए इतना ही था, मतलब कि हु इज आपका मेनली आपको जानना जरूरी है कि चाओलुंग सुखापा कौन था, और एक आपका जो अहोम कम्युनिटी है ये कहाँ कहाँ तक फैला हुआ था, ये आपका मेन यहाँ पे आपका एक कल्चर से रिलेटेड क्वेश्चन हो गया। अब आप क्या करेंगे, घर पे जाके इससे रिलेटेड आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन मिले तो आपके दिमाग में तुरंत क्लिक कर जाना चाहिए कि ये करंट अफेयर्स का भी टॉपिक था। हो सकता है इस बार अहोम कम्युनिटी से आपको कोई भी क्वेश्चन पूछ ले यूपीएससी, ऐसा भी हो सकता है, ओके। एंड देन इसके बाद हमारे दो टॉपिक्स हो चुके हैं, एक तो आपका मोपला और एक आपका अहोम। अब थर्ड टॉपिक जो आता है ये है आपका कुशीनगर, कुशीनगर से आपको क्या याद आता है, कुशीनगर से आपको क्या याद आता है, इससे रिलेटेड कौन है, एक बड़ा बहुत ही बड़ा एक एंशियंट साइट है हमारी कुशीनगर, मेनली कहाँ है ये आपका उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में आता है कुशीनगर। देन इट रिलेट्स विद द बुद्धिज्म, कैसे, किस फॉर्म में, मुझे बताइए, मुझे नहीं आता। अरे मैं कृष्णा को बताना चाहूंगी कि करंट अफेयर्स का मतलब सिर्फ करंट अफेयर्स नहीं होता, आर्ट एंड कल्चर ऑफकोर्स, अगर आप कोई टॉपिक का बेसिक होगा तभी आप उसके उससे रिलेटेड करंट अफेयर पढ़ेंगे ना, आप क्लास में रहिए, बी देयर, और आप पेशेंटली सुनिए, आपसे जरूर, जैसे आपका होम के बारे में आपने बहुत कुछ बता दिया, ऐसे ही अब आप कुशीनगर के बारे में बताएंगे, मुझे 100% पता है ना कृष्णा।
मुझे बताइए कुशीनगर से रिलेटेड बुद्धिज्म किस तरह इससे रिलेटेड है, ये मुझे आप बताएंगे। ओके टेल मी, सो कुशीनगर इज द प्लेस और द मेन साइट वेयर द बुद्धिज्म और द लॉर्ड बुद्धा गॉट हिज एनलाइटनमेंट, नहीं एनलाइटनमेंट नहीं, जहां उनपे उनको महापरिनिर्वाण मिला था, यानी एनलाइटनमेंट तो गया में मिला था, महापरिनिर्वाण मतलब उन्होंने अपने शरीर को पूरा त्याग दिया था, एक तरह से उनका डिमाइस हो गया था यहाँ पे। ठीक है, इन डीपली नॉलेज, हाँ जी हाँ जी, ओके बिल्कुल बिल्कुल, महापरिनिर्वाण उसको बोलेंगे, सिर्फ परिनिर्वाण नहीं बोलेंगे। और यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर मतलब मिनिस्ट्री ने अब क्या बोला, जैसे हमारी गवर्नमेंट ने क्या बोला है कि कुशीनगर में अब इस साइट को इम्पोर्टेंस देने के लिए हम यहाँ पे एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना रहे हैं। ठीक है, एक एयरपोर्ट यहाँ पे बनाएंगे और यही इसी वजह से ये साइट फिर से न्यूज में आ गई। दिस इज द कुशीनगर साइट, जहाँ पे ये कुशीनगर में ये स्तूपा है। ठीक है, और इसी का जो मेन यहाँ पे इस वजह से इसकी इम्पोर्टेंस को देखते हुए ही गवर्नमेंट ने यहाँ पे एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने का प्लान किया है। समझ आ गया? हाँ जी आयुष जी वेलकम, हमारे ईपीएफओ वाले आयुष जी कैसे हैं आप? ये देखिए, तो ये आपका जो कुशीनगर है वहां से रिलेटेड ही स्तूपा। देन नेक्स्ट कुशीनगर के बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। बुद्धिस्ट पिलग्रिमेज में आपका सबसे इम्पोर्टेंट, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट प्लेसेस है ये। और जैसे कि आपका गया हो गया, उसके बाद आपका लुम्बिनी है नेपाल में, आपके उनके पूरे बर्थ साइकिल को आप देख लीजिए, रियल डेथ, यहाँ जहाँ जहाँ वो गए हैं, वो कौन कौन सी प्लेसेस है, वो सब इम्पोर्टेंस उसमें आ जाता है बुद्धा का। अब इसमें अगर हम बात करें, आशिम जी वेरी गुड वेरी गुड, और इसके बाद अगर हम बात करें कि कुशीनगर में क्या हुआ था, ये आपका पिलग्रिमेज मतलब जहाँ पे आप किसी भी गॉड से रिलेटेड कोई भी तीर्थ स्थान है जहाँ पे आप दर्शन करने जाते हैं, उसको हम पिलग्रिमेज बोलते हैं। और बुद्धिस्ट लोगों के लिए ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह है। समझ आ गया? लोगो बाघ की चित्र, अच्छा जी ठीक है। तो देखिए, यहाँ महापरिनिर्वाण हुआ था, ये आपको क्लियर हो गया। अब ये महापरिनिर्वाण क्या होता है इसके बारे में बताया मैंने, अल्टीमेट स्टेट ऑफ निर्वाण और एवर लास्टिंग हाईएस्ट पीस एंड हैप्पीनेस कब हमको मिलती है, जब हम अपना बॉडी छोड़ देते हैं, मोक्ष मिल जाता है, निर्वाण की प्राप्ति होती है, याद है ना? मैंने आपको बुद्धिज्म पढ़ाया था तो क्या बताया था, निर्वाण, निर्वाणा तो बुद्धिज्म में, मोक्ष आपका हिंदुइज्म में, और जैनिज्म में क्या बोलते हैं इसको, जैनिज्म में क्या बोलेंगे, जैनिज्म में बोलेंगे कैवल्य। ओके, कैवल्य बोल देंगे जैनिज्म में। सो दीज आर द मेन सिचुएशन, और जो ये टाइम पीरियड होता है, ये वो कंडीशन है जब आप मोक्ष की प्राप्ति और द अल्टीमेट गोल ऑफ योर लाइफ जब आप लेते हैं, प्राप्त करते हैं। ठीक है, सो ये मीनिंग है इसका। तो हमारा अल्टीमेट जो हमने क्या किया, निर्वाण प्राप्ति कर ली, किसने, बुद्धा ने, उसको हम बोल देंगे महापरिनिर्वाण। अब इसमें एंटर्ड बाय एन वेकन बीइंग एट द मोमेंट ऑफ द फिजिकल डेथ। ओके, सो फिजिकल डेथ हो जाता है, बट उनके जो मन का है, आत्मा का है, वो वहां से शुरुआत हो जाती है, मतलब जाग जाती है उस टाइम पे। ये कहने का मतलब है कि आपका बॉडी तो उसका डिमाइज हो जाता है, बॉडी खत्म हो जाता है, बट आत्मा का वहां से एक तरह से दोबारा उसकी एनलाइटनमेंट और वो जाग जाती है आत्मा, जो मोक्ष की प्राप्ति एक तरह से होती है। आप जो लाइफ और डेथ का जो साइकिल है उससे आप बाहर निकल जाते हैं, ये इसका अल्टीमेट मतलब होता है। समझ गए परिनिर्वाण का मतलब? सचिन जी नमस्कार। तो आज मुझे लग रहा है मैक्सिमम स्टूडेंट्स आउट देयर आर फ्रॉम यूपी, है ना, सबके सब स्टूडेंट्स आज यूपी से हैं। अच्छा अच्छा आयुष जी नहीं है तो बिल्कुल सही, बट करंट अफेयर्स तो जरूर होंगे, तो हम आज करंट अफेयर्स का पार्ट करें, तो आज तो क्लास आप लेके रहिए। ठीक है, ये आज करंट अफेयर्स का क्लास है, इससे रिलेटेड है। और बुद्धिज्म तो मुझे नहीं लगता ऐसा कोई एग्जाम है जहां पे बुद्धिज्म नहीं आता होगा या इम्पोर्टेंट नहीं होगा किसी भी एग्जाम के लिए। ठीक है, चलिए इसके बाद, ये जो कुशीनगर है, ये पहली बात, सर अलेक्जेंडर कनिंघम ये कौन थे, ASI के सबसे पहले जो आपके चीफ थे उन्होंने, ठीक है, डायरेक्टर जनरल ऑफ ASI कब, जब बना था 1877 में, तब उन्होंने इस जगह की खोज की थी, इस जगह को यहाँ पे डिमार्क किया था कि ये ऐसा कोई जगह है जहाँ पे बुद्धिज्म, बाद में जब जो आपकी लेटर आर्कियोलॉजिकल जो यहाँ पे एक्सकवेशन हुई तब पता चला कि ये साइट किस लिए ज्यादा इम्पोर्टेंस है इसका। ओके, अब मुझे बताइए आज का लाइक्स का टारगेट क्या रखें,
लाइक्स का टारगेट बताइए जी, कितने लाइक्स होने चाहिए आज? 25 तो हो गए हैं, आपका आज का टारगेट है 60, 60 तक आपको लाइक करना है। करंट अफेयर्स का क्लास है, सबको बता दीजिए, इंपॉर्टेंट है बहुत। ओके आयुष जी, देन 60 प्लस का आज का लाइक हो जाएगा आपका। नेक्स्ट अगर आप कुशीनगर के बारे में और देखें तो और इंपॉर्टेंट बुद्धिस्ट साइट जो मैंने बताया है, जो पिलग्रिमेज बताए हैं बुद्धिज्म में, इसमें कौन कौन से होंगे आपको? एक तो कुशीनगर मैंने बता दिया जहां पे उनकी डेथ हुई थी, लुम्बिनी में इनका बर्थ हुआ था, ठीक है। समझ आ गया, लुम्बिनी में इनका डेथ हुआ था, जन्म हुआ था बुद्धा का। देन बोधगया में इन्होंने एनलाइटनमेंट दिया था, याद है ना कौन सा पेड़ था उसके नीचे बैठ के आपका इन्होंने क्या किया था, एनलाइटनमेंट इनको मिला था। देन सारनाथ में इनको क्या मिला था, जहां पे इन्होंने फर्स्ट सरमन दिया था, फर्स्ट सरमन मतलब पहला उपदेश दिया था अपने जितने भी इनके डिसाइपल्स थे, जितने भी इनके शिष्य थे वहां पे, उन सबको इन्होंने पहला अपना उपदेश दिया था। कपिल वस्तु में क्या हुआ था, जहां पे इन्होंने एक मतलब अपना चाइल्डहुड जहां पे बिताया था, ठीक है। ये सब कौन सा एरिया है, ये राइट फ्रॉम नेपाल, नेपाल से स्टार्ट होके देन बिहार देन यूपी, ये आपका ये पर्टिकुलर जो एरिया है यहाँ पे बुद्धिज्म का ज्यादा डेवलपमेंट, उनकी लाइफ से रिलेटेड इवेंट्स यहीं पे हुए, ठीक है। ये बुद्धा से रिलेटेड जितने भी आपके जो जगह हैं, ये आपका मेनली इसी जगह पे इनको मेनली पॉपुलराइजेशन या जो भी इनका डेवलपमेंट हुआ ये यहीं पे हुआ। नेक्स्ट आपका कौशाम्बी, कौशाम्बी में क्या हुआ था, जहां पे इन्होंने बहुत सारे अपने सरमन दिए थे। देखो एक बार क्वेश्चन भी आया यूपीएससी में कि कौन कौन सी ये साइट्स है, यहाँ पे आप हमको बताइए कि ये बुद्धा से रिलेटेड नहीं है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन भी आपको मिलते हैं, तो उसके लिए आपको जानना जरूरी है कि बुद्धा ने अपने पूरे लाइफ में कहाँ कहाँ पे क्या क्या कौन कौन सी जगह इन्होंने विजिट किया। तो एक संकीसा, लॉर्ड बुद्धा इज बिलीव टू हैव डिसेंडेड हेयर आफ्टर गिविंग सर्मन टू हिज मदर इन हेवन, मतलब यहाँ पे उन्होंने बोधि, बिल्कुल ये आपका लॉर्ड बुद्धा, इन्होंने अपनी जो मदर है, मदर को हेवन में यहाँ पे सर्मन एक तरह से भेजा था, सरस्वती वेयर बुद्धा शोड हिज डिवाइन प्रोस टू इम्प्रेस अपॉन द नॉन बिलीवर्स एंड डिलीवर्ड इम्पॉर्टेंट सर्मन, जो एक तरह से बुद्धिज्म में बिलीव नहीं करते थे उनको इम्पोर्टेंट सर्मन दिया। तो ये दो नई साइट है आपके लिए, और तो मेरे ख्याल से आप जानते हैं सब, तो इसके बाद आपको ये सब साइट जानना यहाँ पे बहुत जरूरी है, पढ़ लीजिएगा इनके बारे में। अब एक और जो नेक्स्ट आपका टॉपिक आता है, ये देखिए थोड़ा सा डिफरेंट है, ओके थोड़ा सा डिफरेंट है ये। इसमें क्या है, इसमें आपकी दो तीन टर्म है, इन टर्म्स को आपको अच्छे से समझना है, ठीक है। ये टर्म्स है छार छपोरी और उसके साथ मियाज, ठीक है। ये छार छपोरी मियाज ये आपको इम्पोर्टेंट है, जरूरी है समझना, बिकॉज ये सबका अलग अलग मतलब है, और सबका मतलब है नेचर से रिलेटेड है, तो और ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ पे देखिए, इन्होंने असम स्टेट गवर्नमेंट ने क्या किया कि मिया म्यूजियम, ये रिफ्लेक्टिंग द कल्चर एंड हेरिटेज ऑफ द पीपल लिविंग इन छार छपोरीज हैज स्ट्रिप्ड अप अ कॉन्ट्रोवर्सी इन द स्टेट, मतलब आपका छार छपोरी एक तरह से कम्युनिटी है, और ये किससे रिलेटेड है, क्यों इनको ऐसा नाम दिया गया है, ये भी मैं बताऊंगी, ओके। मगध के समकालीन किसको बोला है आपने, बिल्कुल बुद्धा जी को, चलिए जी। देन इसके बाद ये आप देखिए कि छार छपोरी के बारे में क्या होता है, ये इसमें मियाज एक तरह की कम्युनिटी है जो आपका अब क्या करती है, ये डिसेंडेंट्स ऑफ मुस्लिम्स माइग्रेंट्स फ्रॉम द बांग्लादेश से जो मुस्लिम माइग्रेंट्स आए थे, उन माइग्रेंट्स को अब हम मियाज बोल देते हैं असम, समझ आ रहा है। बिकॉज आपको पता होना चाहिए असम का, मैंने आपको मैप भी दिखाया था कि ये जो आपका नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है, सपोज यहाँ पे आपका ये है बांग्लादेश से मेनली असम में जो आपका बॉर्डर इशूज है, और असम में मेनली जितने भी आपके माइग्रेंट्स हैं बांग्लादेश से असम में ज्यादातर जाते हैं, और उसके साथ साथ वेस्ट बंगाल में भी, और जो मुस्लिम माइग्रेंट आपके बांग्लादेश से असम में गए थे उनको हम बोल देते हैं मियाँ, समझ आ गया, मियाँ, ओके। तो ये मियाँ है, और मियाज के बारे में क्या है
कि इन्होंने बहुत सारी एक तरह से माइग्रेटेड, कौन कौन सी वेव्स, कैसा कौन था, कौन सा टाइम आया जब मियाज, ये आपकी कमिंग फ्रॉम द बांग्लादेश टू असम, ये उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में आए, कब कब, ये देखिए, एनेक्सेशन ऑफ असम इन 1826, इसमें पार्टीशन ऑफ 1971 बांग्लादेश लिबरेशन वॉर, जिसमें हमारे आपको पता ही होगा जेल जाना पड़ा था हमारे प्रधानमंत्री जी को, तो ये वही लिबरेशन वॉर है जी, ठीक है, आई होप यू आर गेटिंग मी वेल, ओके। सो ये बांग्लादेश लिबरेशन का टाइम पीरियड जो था, इसमें आपका एंड हैव रिजल्टेड इन चेंजेस इन डेमोग्राफिक कंपोजिशन ऑफ द रीजन, मतलब क्या है कि आपका ये कुछ ऐसे टाइम थे जब आपका जितने भी जो माइग्रेशन जहाँ से होना था, ज्यादातर मैक्सिमम जो माइग्रेशन है वो इन दो टाइम्स के दौरान हुआ है, कहाँ से कहाँ तक, बांग्लादेश से असम के बीच में, और तब ये कम्युनिटी ज्यादा ओरिजिनेट हुई, ज्यादा डेवलप हुई, इस कम्युनिटी का क्या नाम है, मिया, ओके जी, आयुष भी गेट मी वेल, हाँ जी हाँ जी बिल्कुल, आपको समझ आ गया होगा। तो जी बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए बांग्लादेश लिबरेशन वॉर, बिकॉज हम इंडिया ने खुद बांग्लादेश को बांग्लादेश बनने में हेल्प किया, तो हम कैसे हम खुद जेल में जा सकते हैं, आप समझ सकते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पे देखिए, इयर्स ऑफ डिसकंटेंट अमंग द इंडिजिनस पीपल लेड टू द सिक्स ईयर लॉन्ग, ये आपका 1979 से 85 के बीच में, यहाँ पे इंडिजिनस पीपल मतलब जो यहाँ के असम के जो नेटिव लोग थे ना, और उनके और जो मियाँ लोग आए थे उनके बीच में डिस्कंटेंट चलता रहा 5-6 साल तक। यहाँ पे अब क्या हुआ है, अब आपका एंटी फॉरेनर असम एजिटेशन टू वीड आउट द इलीगल इमिग्रेंट हु वाज परसीव्ड एज अ ट्राइंग टू टेक ओवर जॉब्स, लैंग्वेज एंड कल्चर ऑफ द इंडिजिनस पॉपुलेशन, ये मेन इशू है, मियाँ लोग परेशान है क्योंकि मियाँ लोग हमारे इंडिजिनस नहीं है, ठीक है। अब आ जाओ इंटरेस्टिंग एक और बात, छार छपोरी क्या होता है जी, ये जरूरी है आपके लिए समझना, ठीक है जी ओके। देन यहाँ पे छार छपोरी, छार का मतलब होता है असामीज लैंग्वेज में कि आपका ये सैंड बार मतलब बहुत बड़ा जो रेत का जो टीला होता है, और इस तरीके से सैंड बार होता है, और छपोरी का मीनिंग होता है फ्लड प्रोन रिवर बैंक, मतलब एक नदी का ऐसा किनारा जहां पे बहुत ज्यादा फ्लड आती हो, ठीक है अच्छा जी, ठीक है ठीक है जी, बिल्कुल, अब हम उस बारे में बात नहीं कर रहे आशिम जी, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड, ओके, आजकल बातें कॉन्ट्रोवर्शियल हो जाती हैं। चलिए जी, ये आपका हम बोल रहे हैं कि सैंडबार मतलब छार, और छपोरी मीन्स फ्लड प्रोन आपका जो रिवर बैंक होता है। इसमें ये जो दो एरिया है, ये माइग्रेंट मुस्लिम्स ऑफ बंगाली ओरिजिन हु आर व्यूड एज बांग्लादेशी उनसे बिलोंग करता है, छार छपोरी का जो एरिया है असम में, वहां पे जो मियां कम्युनिटी है जो बेसिकली कौन है, बांग्लादेशीज, उनसे बिलोंग करती है, समझ आ गया। अच्छा सचिन जी, मैंने मियां आपको बताया है, मियां वो लोग हैं, वो कम्युनिटी है जो बांग्लादेश से इलीगली आई है, मुस्लिम कम्युनिटी, ठीक है, जो मुस्लिम लोग बांग्लादेश से आए हैं असम में रहने के लिए, ठीक है, उनको हम बोल देते हैं मियां, मुस्लिम लोगों को स्पेशली, समझ आ गया। और यहाँ पे चार छपोरी एरिया डिनोट्स द रिवराइन एरिया एंड लोअर ऑफ सेंट्रल असम विच मेनली कंप्राइजेस द बंगाली मुस्लिम्स, ठीक है जी। अब ये बंगाली अपना बंगाल नहीं, वेस्ट बंगाल से नहीं, बांग्लादेश वाले मुस्लिम्स के बारे में बात कर रहे हैं जो इलीगली आए हैं, मतलब मियाज के बारे में। दे कीप चेंजिंग शेप्स, कौन आपका जो मेनली जो शेप है जो छार छपोरी है, बिकॉज रिवर आइन है ना, रिवर आइन आपका जो पार्ट है, अब नदी जब आएगी फ्लड प्रोन एरिया है तो फ्लड आएगी, तो कभी ऐसी शेप हो जाएगी, कभी उसकी ऐसी शेप हो जाएगी, कभी उसकी ऐसी शेप हो जाएगी, फ्लड आती है तो वो ऐसा किनारा है नदी का जहां पे ये लोग रहते हैं, कि ऐसा उसका छपोरी की वजह से चेंजिंग दियर शेप, मतलब कंटिन्यूसली जो अपनी शेप है, ये पुश एंड पुल ऑफ द ब्रह्मपुत्र, बिकॉज ब्रह्मपुत्र है मेन नदी वहां पे, पता होगा असम की मेन नदी, जो मैंने आपको दिखाया था उसकी जगह पे भी, जो मैंने आपको होम कम्युनिटी के बारे में बता रही थी, तो इज इट क्लियर, हाँ जी हाँ जी, ठीक है। चलिए अब इसके बारे में, UNDP असम ह्यूमन, अच्छा ये लाइन जो रह गई, prone to floods and erosion, these areas are marked by low development indices, 80% of the char population lives below poverty line, मतलब इनका फ्लड की वजह से लगा लो या इंडिजिनस नहीं है उस वजह से लगा लो, 80% जो कम्युनिटी है ना वो पॉवर्टी लाइन के नीचे रहती है। अब ये बर्डन किस पे है, ये इंडियन गवर्नमेंट पे है,
है ना, कि हम उनका पेट भरें, उनके बारे में ख्याल रखें, उनकी जॉब पॉपुलेशन और उनका जो भी ग्रोथ है उसके बारे में ख्याल रखें। बट यहाँ पे क्या है कि जो आपका यूएनडीपी है ना, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट, इन्होंने क्या बोला है, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2014 में दी है, इसमें इन्होंने बोला था कि 4 एरियाज आर सफरिंग फ्रॉम कम्युनिकेशन डेफिसिट, लैक ऑफ एडिक्वेट स्कूलिंग फैसिलिटीज, बियॉन्ड प्राइमरी गर्ल चाइल्ड मैरिज, पॉवर्टी एंड इलिटरेसी। ये कुछ प्रॉब्लम्स है जो छार छपोरी एरिया से रिलेटेड है, मिया कम्युनिटी पर्टिकुलरली। समझ आ गया, समझ आ रहा है? आज थोड़ा सा ना मुझे बहुत ज्यादा कफ का इशू हो गया, बिकॉज 2-3 दिन का जब ऑफ था तो ज्यादातर टाइम आप लोगों का। अच्छा, होली कैसे रहा ये आप मुझे बताइए, किसी ने बताया ही नहीं होली, होली कैसे खेलते हैं आप लोग, बताइए जी, कुछ शेयर कीजिए, कुछ इंसिडेंट्स, कैसे खेला कृष्णा सचिन जी ने, कैसे खेला है आयुष जी, होली कैसे रहा इस बार आपका, बताइएगा जरूर। ठीक है, होली कैसा रहा आपका, बताइए। गुड मॉर्निंग अमर जी, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू, चलिए बताइएगा। देन यहाँ पे देखिए, नेक्स्ट जो आपका टॉपिक हो जाएगा, हमने बुद्धिज्म के बारे में मैंने बताया, बहुत सारे टॉपिक्स हैं, बहुत सारी इंपॉर्टेंट आपको इन्फॉर्मेशन देना है, और बुद्धिज्म से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आता है, प्रिलिम्स में ये सबको पता है, तो आप जरूर याद रखिए। मैम मैं सोता रहा बस, अच्छा जी, बहुत अच्छा रहा, घर ही है अभी, खूब गुंजिया खाई। ओके, दैट्स ग्रेट, द गुजिया इज द मेन स्टेपल फूड और द स्टेपल डेजर्ट, बिलोंग्स टू होली ओनली, है ना, सिर्फ होली से ही रिलेट करता है गुजिया। आई होप सो, बहुत अच्छा होता होगा, है ना, ने बहुत ही कम, कभी एक दो बार ही टेस्ट किया है, राइट, गुजिया हमने ज़्यादा नहीं खाया है, और बट इट सीम्स लाइक कि बहुत ही अच्छा और डिलीशियस होता होगा। और किसी किसी का क्या एक्सपीरियंस रहे ये बताइए, सपना ने बता दिया, सचिन ने बता दिया, वी वुड लाइक टू हेयर मोर फ्रॉम योर साइड, ओके, हमें और ज़्यादा अच्छा लगेगा आप बताएंगे तो। 2 मिनट की होली हुई मेरी मैम बस, अच्छा, जस्ट बिकॉज दैट यू आर अ नाउ रिस्पॉन्सिबल वुमेन निकिता, बिकॉज हाँ जी, समझ सकते हैं, सिर्फ 2 मिनट की होली हुई, अच्छा जी, तो और ये होली 2 मिनट की हुई, और किसकी पूरे 2 दिन की होली हुई ये भी मुझे बताइए, पूरे 2 दिन किसने होली में इन्वेस्ट किया अपने, और पढ़ाई किसने नहीं किया बट ज्यादा टाइम स्टडी को दी, वेरी गुड वेरी गुड निकिता, यही एक अच्छी पहचान होती है जब आप प्रिपरेशन करते हैं, अच्छे स्टूडेंट होते हैं, कि आप चाहे जो भी हो रहा हो आसपास आपको कोई मतलब नहीं है, आपको सिर्फ अपनी प्रिपरेशन से, अपने काम से ही ज्यादा रिलेट रिलेशन होता है। ठीक है, हम भाभी जी मैम, हाँ हम भिजवाए मैम, गुनिया, अच्छा गुंजिया, अच्छा, सपना, ना 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 ना, थैंक यू सो मच, आई एम नॉट अ स्वीट पर्सन, ओके, मुझे बहुत ज़्यादा मीठा पसंद नहीं है, दैट्स ग्रेट, चलिए, लॉट्स ऑफ कलर विद डांस इज वेल, क्या बात है, सबने मनाया, मतलब यहाँ पे ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स आउट देयर, सबने होली सेलिब्रेट किया मुझे ये लग रहा है। तो होली से आने के बाद, पंकज जी गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? तो होली से आने के बाद मैं ये आपसे जरूर थोड़ा एक्सपेक्ट करूंगी कि आप पूरी फुल एनर्जी के साथ अपनी पढ़ाई पे वापस आ जाए, ठीक है, और अपना जितना भी आप नोट्स बना रहे हैं, और स्पेशली करंट अफेयर्स तो आपको जरूर करना है, करंट अफेयर्स कभी भी आपको साइड में नहीं रखना है, बिकॉज यहीं से आपका छुट्टी मिलती है, तब ट्रेवल सीना रहता है। अच्छा जी, युगांडा में गुजिया इम्पॉसिबल, मे बी किसी और नाम से मिलती होंगी, हाँ ये भी है, नहीं किसी और नाम से नहीं, बिकॉज हमने गुजिया का शेप और ये सब तो पता ही है, राइट, ऐसा कुछ मिलता नहीं है वैसे, और मार्स पे भी ऐसा कुछ स्वीट शॉप मुझे नहीं मिला आसपास कि मैं गुजिया यहाँ से ले पाऊँ, ठीक है। ओके, ममता जी नमस्कार, ममता जी काफ़ी अच्छे कमेंट करती हैं आप, जब लोग क्लास खत्म हो जाता है तो सिर्फ ममता ही कमेंट करती है, एक सुमित कमेंट करते हैं, ममता कमेंट करती है, और कोई कमेंट करता ही नहीं। ठीक है जी, तो आई होप सो बहुत ही जल्द हम गुजिया हम भी टेस्ट करेंगे कैसा होता है, और इसके बारे में फिर हम अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर करेंगे।
एनीवन एल्स जिसको अपना होली का कुछ स्पेशल कुछ अलग बात बतानी है यहाँ पे? हम देखते हैं फिर यहाँ पे क्या क्या किस किस तरीके से आपके यहाँ हैपनिंग होली रहता है नॉर्थ इंडियन पीपल का, ठीक है? चलिए ये देखिए, देन आपका बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री डिस्कवर्ड इन झारखंड। तो जी झारखंड एक जगह, एक स्टेट है हमारा जो आपका बिहार से 2000 में डिपार्ट हो गया था, अलग हो गया, यहाँ बिहार है यहाँ झारखंड है जी। यहाँ पे आपका एक जगह एक बुद्धिस्ट स्टैचू मिला है, यहाँ पे आर्कोलॉजिकल फाइंडिंग्स हुई है, इसीलिए ये फिर से हमारे लिए बुद्धिज्म का जो टॉपिक है इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है जी। रविंदर जी नमस्कार, कैसे हैं आप? बहुत बहुत गुड मॉर्निंग आपको, हाँ जी। और महादेव जी आपको भी, आप कहाँ से जी? हम मार्स से हैं, हम मार्स प्लैनेट से आते हैं, वहीं पे हम क्लास करते हैं, ठीक है जी। चलिए फिलहाल हम युगांडा में हैं, कैन रिलेट मोर विद दिस सिचुएशन, है ना जी? नहीं सचिन जी, ना ना ना, ठीक है ठीक है, आई डोंट लाइक मीट एट ऑल। देन आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हैज अनर्थ, ये आपका बुद्धिस्ट एक मोनास्ट्री है कम्प्लीटली। ये देखिए पूरा आपके जो मेनली बड़े बड़े जो आपके जितने भी स्टैचूज है ये आपके फाइंड किए गए एक्सकोलॉजिकल आर्कोलॉजिकल जो फाइंडिंग्स है यहाँ पे झारखंड में। देन यहाँ पे एक विलेज सिचुएटेड इन हिली एरिया ऑफ द हजारीबाग। अच्छा हजारीबाग में हमने एक चीज और किया था लास्ट क्लास में, करंट अफेयर्स की क्लास थी, तो हजारीबाग में एक और चीज झारखंड से रिलेटेड थी, क्या थी वो कोई मुझे याद दिलाएगा जल्दी से? नहीं आप मुझे बताइए, जल्दी से मुझे बताइए, मुझे याद आ गया आपको, मैं पूछना चाहती हूँ कि हजारीबाग से ही लास्ट क्लास में आपको मैंने कुछ बताया था, क्या इंपॉर्टेंट था वो बताएंगे? बिल्कुल सही, ये सब एक्स्ट्रा तो बताइए, बट हजारीबाग में एक और चीज था, सुराई खोवर पेंटिंग्स, याद आया? सुराई खोवर पेंटिंग्स जो आपको मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि इनको क्या मिला है, आपको जीआई टैग मिला है, स्पेशली दे केम फ्रॉम कहाँ से, आपका हजारीबाग पर्टिकुलर एरिया ऑफ झारखंड, और वहां से द नेटिव वुमेन और द फोक वुमेन्स और द ट्राइबल वुमेन आउट देयर, दे नीड द म्यूरल पेंटिंग्स इन देयर हाउसेज ऑन द स्पेशल ओकेजन्स लाइक मैरिज और जो आपका कोई और इंपॉर्टेंट ओकेजन्स होता है फैमिली में, तब आपका ही बनाया जाता है म्यूरल पेंटिंग्स, याद आया? हाँ जी बिल्कुल सही का, पेंटिंग थी वही वही वही, वेरी गुड, सुराई खोवर, वेरी गुड, अब याद आया इनको, ठीक है, सबके सब भूल जाते हैं, इसलिए देखो रिवाइज करना बहुत जरूरी है, आप रिविजन नहीं करते हैं, बस पीडीएफ लेके रख लेते हैं। सो ये देखिए एग्जैक्टली मैंने कौन सा एरिया है, 12 किलोमीटर फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स, वहां पे ये मिला है, तो आपको याद रखना है। इसके बारे में थोड़ा सा और देख लेते हैं, अब इसमें क्या है कि मोनेस्ट्री इज बिलीव टू बी द लीस्ट 900 ईयर ओल्ड, मतलब ये जो जगह हमको मिली है ये कम से कम 900 साल पुरानी हमको लगती है, टाइम के साथ साथ ये आपका नीचे आपका यहाँ पे दब गई है और फिर हमको एक्सकोवेशन जो हमने किया है वहां से हमको मिला है। अब इसमें पाला पीरियड के दौरान इसको बनाया गया है, अब इससे यहाँ पे इम्पोर्टेंट आ जाता है आपका इम्पोर्टेंस किसका, पाला डायनेस्टी, ये कहाँ से कहाँ तक था, कौन सा एरिया पर्टिकुलरली पाला जो पीरियड था उसमें आता था, हाँ जी लाइक करो छेन, सबके सब जितने भी स्टूडेंट है सबके सब लाइक कर दीजिए, ठीक है जी। देन आपका अच्छा एलिफेंट नहीं था, ऐसा कुछ नहीं बताया मैंने एलिफेंट के बारे में, ये आपका मुझे बताइए पाल डायनेस्टी कहाँ पे, कौन कौन से पर्टिकुलर स्टेट और इसका फाउंडर कौन था, चलिए फाउंडर भी बता देती हूँ, द फाउंडर ऑफ पाला डायनेस्टी वाज गोपाला, ठीक है, गोपाला एक किंग थे, उन्होंने इसको फाउंड किया था पाला डायनेस्टी को, और इससे रिलेटेड बहुत सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, आप याद कीजिए क्या क्या है वो, ठीक है। अच्छा जी सचिन जी बताइए अच्छा सचिन जी हमारे 500 प्लस कराए गए, वेरी गुड, देखते हैं कहाँ तक आपका टारगेट जाता है, ऐसे ही आपको लाइफ में ओवरवेलमिंग टारगेट्स आपके लेते रहने चाहिए, ठीक है जी। देन इसके बाद इसमें और क्या क्या फाइंडिंग्स हुई है, 4 स्टैचूज मिले हैं, डीटी तारा और वरद मुद्रा, देखो ये मुद्राज है आपकी कौन कौन सी, जो मुद्राज है आपकी बुद्धा, और बुद्धा की जो मुद्रा है जिस मुद्रा में आपका बैठे रहते हैं बुद्धा वो ये मुद्राएं हैं मेनली। देन आपका ये मैं पाला डायनेस्टी के बारे में आपको बताऊंगी, बट उससे पहले मैं आपसे सुनना चाहती हूँ अगर कोई मुझे बता पाए तो, और इसके बाद है वरद मुद्रा में क्या होता है, ये जेस्चर होता है जो हैंड शोइंग डिस्पेंसिंग ऑफ बोन्स, द 6 स्टैचू ऑफ बुद्धा इन ये भूमि स्पर्श मुद्रा, देखो मेनली ये मुद्रा आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो भूमि स्पर्श मुद्रा है इसमें क्या होता है, एक हाथ ऐसे ऊपर एक हाथ ऐसे नीचे, ठीक है,
ऐसे एक हाथ आपका जो बुद्धा जी थे उनका एक हाथ नीचे रहता है, मतलब टचिंग टू द अर्थ, और दूसरा हाथ जो आपका ऐसे मतलब आशीर्वाद की फॉर्म में, तथास्तु की फॉर्म में रहता है, और ये जो आपका मुद्रा है इसको हम बोलेंगे भूमि स्पर्श मुद्रा। ओके, समझ आ रहा है? विक्रमशिला, यही मैं सुनना चाहती थी। वेरी गुड, अमेजिंग, कुछ कर दिया। देन विक्रमशिला, बिल्कुल, ये भी धर्मपाल भी इसी डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं, ठीक है जी। मुंगेर बिहार, ये क्या है, मुंगेर में क्या है बताइए। देन आपका ये हो जाएगा भूमि स्पर्श जो मुद्रा है, ये इज द जेस्चर ऑफ हैंड शोइंग फाइव फिंगर्स ऑफ राइट हैंड टुवर्ड्स द अर्थ, मतलब राइट हैंड आपका अर्थ में नीचे जाएगा और लेफ्ट हैंड हमेशा ऊपर रहेगा, ठीक है। दीज आर कॉल्ड द मेनली द साइंस ऑफ द बुद्धाज एनलाइटनमेंट। ओके, ये आपके बुद्धा के एनलाइटनमेंट के साइंस होंगे, ठीक है जी। हाँ जी, तथास्तु बोलते हैं। बिहार, बंगाल, उड़ीसा किस लिए बोल रहे हैं आप? अच्छा, ये पाला डायनेस्टी के लिए। वेरी गुड, वेरी गुड। स्पेशली मैं अगर आपको बताऊं तो कौन सा स्टेट होगा, ये होगा बंगाल। बंगाल में मेनली बेस होगा, उसके आसपास के जो स्टेट थे वो होंगे, वो भी इसमें शामिल होंगे। तो बिल्कुल सही बताया आपने। देन ये देखो, पाला डायनेस्टी कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ था ये आप देख सकते हैं, 781 से 1821 से। ये देखो, धर्मपाल ने कब से कब तक रूल किया और देवपाल ने कब से कब तक रूल किया, समझ आ गया? और ये वो वाला टाइम पीरियड है जब, लुक एट द एरिया, ओके, विच आर कवर्ड अंडर द पाला डायनेस्टी, ठीक है। ये पूरा पाला डायनेस्टी के अंदर ये एरिया आपका इंक्लूड होता था उस टाइम पे। और कौन सा सेंचुरी था आपका, मेनली 8th और 9th सेंचुरी के बीच में, 8th और 9th सेंचुरी, समझ आ गया। देन यहाँ पे पाला डायनेस्टी के बारे में कुछ और बातें हैं। ये बंगाल बिहार अबाउट 400 इयर्स फ्रॉम द 8th सेंचुरी अंटिल द एंड ऑफ द 11th सेंचुरी, ठीक है। 8वीं सदी से 11वीं सदी के बीच में जो टाइम पीरियड है ना, 400 साल तक पाला डायनेस्टी ने रूल किया है, कहां पे, बिहार और बंगाल में, समझ आ गया। बिहार और बंगाल, आज भी मेनली जो बंगाल का स्ट्रक्चर है, आर्किटेक्चर, ये मेनली वहीं से डिनोट होता है। आपने देखा है ना, जो उनकी जो टेंपल्स है, टेंपल्स की जो आपकी रूफ टॉप है, रूफ टॉप का मतलब आपने पढ़ा होगा, नितिन सिंघानी में जो आर्किटेक्चर है ये कुछ इस तरह से छतरी टाइप होता है। तो ये आपका मेनली पाला डायनेस्टी से ही ये सब आर्किटेक्चर उनका आया है, ठीक है। आई होप मेक सेंस टू यू। देन देखिए, दे यूज द रेवेन्यू फ्रॉम द न्यू टैक्स कलेक्शन मेथड टू फंड इनिशिएटिव्स ऑल अक्रॉस द रीजन दैट वुड स्प्रेड बुद्धिज्म। मतलब इन्होंने क्या कर देते थे, ये लोग टैक्स लेते थे और जो इनको पैसा मिलता था वो सब बुद्धिज्म में लगा देते थे, समझ आ गया। बुद्धिज्म में ये सब पैसा ये लगा देते थे, ओके। देन इसके बाद आपका आता है संगाखली। संगाखली, अब देखो ये डर मत जाना, ये प्रखर का फेस है ऐसा, प्रखर ने अपनी फोटो भेजी थी मुझे, तो ये मैंने सोचा कि यहाँ पे यूज कर लूँ उसको, तो ये डरना मत आप, ठीक है। तो संगाखली, संगाखली मेनली आपका एक आपका एंथुजियास्टिक टीम, ये देखिए यंग, एक जो आपका फेस्टिवल बोल लो, एक तरह का रिचुअल बोल लो, ठीक है। ये आपका मेनली साउथ इंडिया में संगाखली एक ऐसा रिचुअल होता है, ठीक है। वर बेटर रिलेशन विद, हाँ हाँ ठीक है ठीक है, इस टाइम पीरियड में। इरफान जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग इरफान जी। देन इसके बाद देखिए कि संगाखेली में अब कंट्रोवर्सी क्या हुआ है, क्या इसका इशू हुआ मेनली। यंग एंड एंथुजियास्टिक टीम इज ट्राइंग टू सेव संगाखेली, अ रेयर आर्ट फॉर्म फ्रॉम एक्सटिंक्शन ऑन थ्रिसूर डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला। ये बहुत ही रेयर आर्ट फॉर्म है जो मेनली केरला में प्रोपगेट होता है। देन यहाँ पे उससे रिलेटेड और मैं आपको इन्फॉर्मेशन ही बताती हूँ। द नेक्स्ट यहाँ पे है संगाखेली मेनली, देखिए ना सजा के बनाया है, उसका कोई अप्रिशिएट नहीं करेगा क्या आज? लुक एट द पीपीटीज आउट देयर, कितना मेहनत किया मैंने, ठीक है जी। अच्छा जी, इरफान अहमद जी, क्या है, आपने क्या भेजा है मुझे? अच्छा, इज दिस साउंड लाइक समथिंग, कोई कैट या डॉग, कुछ ऐसा एनिमल है। केरला नमूद्री फैमिलीज, क्या बात है, ये वही है नमूद्री पाद जो फैमिली होती है वहां, उनसे ही बिलोंग करता है। ओके, मणिपुर का संघाल के जैसा नाम है इसका, संघाई। अच्छा,
देखिए, देन आप ये देखिए, संगकली ये ट्रेडिशनली परफॉर्म बाय नंबूदरीज एज द रिचुअल. मैंने बोला ये सब नंबूदरी मतलब कुछ कम्युनिटी होती है, उस कम्युनिटी में मेनली ये से बिलोंग करता है. ठीक है, नेक्स्ट ऑन, इट इज वन अमंग द सेवरल रेयर आर्ट फॉर्म ऑफ केरला दैट इज फास्ट वैनिशिंग. मतलब ये बहुत ज्यादा जल्दी से खत्म हो रही है, ये जो आर्ट फॉर्म है ये बहुत ज्यादा जल्दी खत्म हो रही है. और इसमें मेनली आपका ये नमूदरी होम्स ड्यूरिंग द शोहाजा करियाज 16 राइट्स एज वेल एज द शिवा टेम्पल्स. मतलब ये शिवा टेम्पल में कम से कम 16 ऐसे पूजा पाठ के तरीके होते हैं जहाँ ये जो मेनली संगाखेली में किए जाते हैं, और ये शिवा टेम्पल में किए जाते हैं. कौन एक कम्युनिटी है केरला की नंबूदरी, वो इनको मेनली प्रोपगेट करती है. ठीक है, वो करती है. समझ आ गया. सुदर्शन जी नमस्कार, कितने सालों बाद आए हैं सुदर्शन जी, कोई इनका वेलकम करेगा? हाँ जी, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग. रेगुलर आइए ना क्लासेस में, तभी अच्छा लगता है. देखो आप एक बार आते हैं और मुझे आपका नाम याद हो जाता है. मुझे थोड़ा सा मेमोरी मेरा ज्यादा ही कुछ स्ट्रांग है, मुझे याद हो जाता है एक बार क्लास में जो आया था. और अगर इसने झूठ बोला कि मेरा पहली क्लास है ये, तो मैं उसको पकड़ लेती हूँ, फिर आता है मजा. ठीक है जी, तो हमारे सुदर्शन जी बहुत दिनों बाद क्लास में आए हैं, कोई इनका वेलकम कीजिए. कहाँ बिजी थे ये भी पूछिए. ठीक है, देन इसके बाद हम देखते हैं संगाखेली. इसके बारे में देखो, इसमें कुछ रिचुअल होते हैं, इसमें कुछ प्रोसेस होते हैं. ये काफी थोड़ा हटके है, थोड़ा अलग है. और पूरा जो होता है ना, जैसे आप सपोज, जैसे आप लोगों ने बताया कि कल होली हमने खेला, कोई बोल रहा है हमने गुजिया खाया, कोई बोल रहा है हमने रंग लगाया, कोई बोल रहा है हमने होलिका जलाया. तो बहुत सारे ऐसे प्रोसेस होते हैं हर एक फेस्टिवल में, हर एक रिचुअल में, कि जो अलग अलग कम्युनिटीज अपने अपने हिसाब से उसको फॉलो करती है. ठीक है, चलिए जी, अब यहाँ पे जो आपका संगई खेला है इसमें क्या होता है. पहले इसमें होता है कोट्टी चक्कम पुक्कल. अब जी इसको कोई अगर साउथ इंडियन आउट देयर तो अगर हो तो प्रॉब्लम हो जाए आपको मेरी प्रोनंसिएशन, तो प्लीज एक्सक्यूज मी, पहले से ही हम माफी मांग लेते हैं आपसे. तो ये आपका जी हो जाएगा कोट्टी चक्कम पुक्कल, कोट्टी चक्कम पुक्कल. ठीक है, तो इसको आप ऐसे याद रखेंगे रिचुअल. इसमें आपका ट्रेडिशनल वेलकम होता है, ये आपकी हेड ऑफ द फैमिली आपका वेलकम करेगी. अगर आप संगाई खेला फेस्टिवल है इसमें जाएंगे और इस रिचुअल में जाएंगे तो ये वेलकम करेगी, या गॉड का या कोई महान उसका जो भी है इसमें रिचुअल, वो इसमें फॉलो किए जाएंगे. देन यहाँ पे आफ्टर अ शॉर्ट इन्वोकेशन के लिए ट्रेडिशनल अनाउंसमेंट बाय द पर्सुएशन असेंबल, इसमें इनको लाइंस ऑफ कथकली. देखो कथकली का भी इसमें यूज आ गया. कथकली क्या है, ये वन ऑफ द 8 क्लासिकल डांसेस ऑफ इंडिया. और कथकली जो है बिलोंग्स फ्रॉम कहाँ से, केरला. और इसके साथ साथ मोहिनी अट्टम भी ऑल्सो हेलिंग फ्रॉम केरला. तो दो आपके मेनली जो क्लासिकल डांस है कहाँ से आते हैं, केरला से आते हैं, उसमें से एक कथकली है. तो इसमें कथकली की तरह भी मुद्राएं आपकी बना के ये सब यहाँ पे करते हैं. काली पूजा आई गेस. हाँ जी, मैं बताऊंगी उसके बारे में. ये प्रथम कोट्टी अरकल में शिव मंदिर का भी यूज था, ये भी मत भूलिए. नेक्स्ट इज प्रथम पथरम कोट्टी अरकल, लिटरली मीनिंग ये शाउटिंग अलोंग विद ड्रमिंग ऑन अ वेसल. मतलब कोई एक जो आपका बर्तन है उस पर आप बजाते हैं और उसमें बहुत ज्यादा जोर जोर से आप शाउट करते हैं. ठीक है, नेक्स्ट ये देखिए नालू पदम. अब नालू पदम में क्या होता है, ये 4 लाइन्स होती है. इसमें आपका वॉज अ मंत्र गिवन टू द नमूदरी टू सेज जगम्मा, और ये एक मंत्र है वो दिया जाता है, वो इसमें चैंट किया जाता है. समझ आ गया. नेक्स्ट ऑन ये कुछ प्रोसेस है, देख लेना. इसके साथ बाद सद्या है, जिसमें आपका जो फीस्ट है, जो खाना है, वो आपका बनाया जाता है जी. ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये आ गया हमारे मतलब का जो चीज है सद्या. देन इसमें पाना, पाना में क्या होता है, ये आपका बेसिकली वेराइटी ऑफ रिदम्स है ये इसमें आपकी यूज की जाती है. देन बाली ओजे छुली, ये आपका नलीफाई द नेगेटिव इफेक्ट कॉज्ड बाय द सेगमेंट, ये आपका उछली है. डांस बाय पार्वती इन द गाइज ऑफ द जिप्सी प्रेजेंटेड नेक्स्ट. ठीक है, तो ये आपका जो पार्वती का डांस है वो इसमें देन उसको फॉलो अप करता है लास्ट में. ठीक है, लास्ट तो नहीं है, इसके बाद नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है उसको हम बताएंगे. एक साइट है वो, जैसे आपका मैंने बताया झारखंड में मिला है, वैसे ही कोडोमनल एक्सकवेशन, एक और एक्सकवेशन हुई है नियर चेन्नई. चेन्नई कहाँ है, तमिलनाडु में. तो वहाँ पे आपका एक और एक्सकवेशन मिली है, एक कुछ ऐसी साइट वहाँ पे मिली है और कुछ चीज़ें वहाँ पे मिली हैं जिससे हमें वहाँ पे सिविलाइजेशन, वहाँ की चीज़ों के बारे में हमें, देखो हिस्ट्री के कितने सोर्सेज हैं. जब मैं कल आपको हिस्ट्री स्टार्ट कराऊंगी तो बताऊंगी कि हिस्ट्री के क्या क्या सोर्सेज होते हैं, हिस्ट्री क्यों इंपॉर्टेंट होती है हमारे लिए पढ़ना. ओके, ठीक है जी.
अब आप देखिए इसके बाद आप लोग क्या हो रहा है, क्लास में इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, आज इतने कम स्टूडेंट कैसे हैं? आप लोग आते हैं चले जाते, शिफ्ट करते हैं आप लोग, मतलब ना क्या बोले उसको, ठहराव नहीं है, मतलब स्टेबल नहीं है आप लोगों की पर्सनैलिटी कभी भी। आप आते हैं शिफ्ट करते हैं, ज्यादा देर तक रुकना आप लोगों के लिए पॉसिबल नहीं रहता है। अब उसके लिए आपको कुछ एंटरटेनमेंट वाला ट्विस्ट चाहिए, जैसे आप टिकटॉक में देखते हैं कि हर 20 सेकेंड्स में, 10 सेकेंड्स में आपको कुछ नया क्लिक चाहिए, डोपामाइन क्लिक करते रहना चाहिए दिमाग में, तभी हम कुछ देखेंगे कंटिन्यू, वरना हम नहीं देखेंगे। तो ये जो आपका जो टेंडेंसी है तंजावर, अच्छा जी बताते हैं अब इसके बारे में। तो ये जो टेंडेंसी है ये आपका जो है बार बार शिफ्ट करने का, ये स्पेशली लॉन्ग टर्म प्रिपरेशन जो हमें यूज करना है, जो चाहिए यूपीएससी जैसे एग्जाम में, उसके लिए ठीक नहीं है। सो अगर आप आते हैं क्लास में तो प्लीज रुकिए, कुछ देर वेट कीजिए, देखिए, ऑब्जर्व कीजिए। और आपके लिए जितने भी मैं टॉपिक लाती हूँ, बहुत ही ज्यादा रिसर्च होती है इनके पीछे, बहुत ज्यादा मुझे देखना पड़ता है कि ये आ सकता है एग्जाम में या नहीं आ सकता, ठीक है? तो आप प्लीज उनका रिस्पेक्ट कीजिए, आप देखिए क्लास में। अच्छा जी, आ गए जी वेद प्रकाश जी, नमस्कार। देखो बोला और आ गए सब के सब, कैसे मतलब। और आप आए हैं क्लास में तो रुकिए कुछ देर, ओके, देखिए, वेट कीजिए कि कैसा है क्लास, आपको कितना समझ आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है तो आप पूछ सकते हैं मुझसे, नो डाउट। पीडीएफ इसका आपको जरूर मिल जाएगा। वेद प्रकाश जी नमस्कार, ठीक है जी। तो इसके बाद मैं आपको एक बताती हूँ, जैसे आप पुरानी चीजों में किसको इंटरेस्ट होता है तो क्या करते हैं जी, खुदाई करते हैं, देखते हैं जी नीचे क्या मिलता है, हड़प्पा मिलता है जी, हड़प्पा से भी हमें चैन नहीं मिलेगा, मेसोपोटामिया तक जाएंगे, ठीक है जी, फिर उसके बाद भी नहीं, मायन तक जाएंगे, मायन जो जितनी भी आपकी जो कम्युनिटी थी वहां तक हम पहुंचेंगे, फिर हम देखेंगे नहीं जो प्री हिस्टोरिक आदमी था वहां तक हम जाएंगे, कैसा दिखता था, हमारी जो शक्ल मिलती थी उससे नहीं मिलती थी। तो हमारे जो जितनी भी हमारी इंटेंशन है, हमारा जो पास्ट को जानने की जितनी हमें ये वो रहती है इंटेंशन हमारी कि हम और जाने और जाने, इन्हीं कुछ चीज़ों में इन्हीं का फॉलोअप करते हुए हम कुछ एक्सकवेशन करते रहते हैं, ठीक है, खुदाई करते हैं जी। हम खुदाई के टाइम पे, अब वो जेसीबी की हो सकती है या हम खुद अपने हथौड़े से हो सकती है वो, लाइक मतलब जो भी आप चीज़ें यूज करें तो उनसे हो सकती है वो खुदाई, वो किसी से भी हो सकती है। और इन खुदाई को कौन प्रोपोगेट करता है, इनको कौन सपोर्ट करता है, हमारी ASI करती है जी। तो उनको जब लगता है कि हाँ नहीं आज तो हमें 20 डिग्री नॉर्थ जाना चाहिए, 20 डिग्री साउथ जाना चाहिए, तो जहाँ उनका मन करता है, ऐसे नहीं होता है उसका आयुष ने बहुत अच्छी बात बोली है कि वी लर्न फ्रॉम हिस्ट्री। सबको पता है कि हमें हिस्ट्री से लर्न करना चाहिए, हम हिस्ट्री क्यों पढ़ते हैं, ताकि हम पास्ट से कुछ सीख पाए। जैसी बेवकूफियां आपकी मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी, ऐसी बेवकूफियां हम ना दोहराएं, बट हम नहीं सीखते हैं, हम फिर से वही करते हैं, हम वही चीजें फॉलोअप करते हैं। तो मेनली हिस्ट्री से हमको सीखना चाहिए, पास्ट हमारा पढ़ने का मेन पर्पज यही है कि जो जनरेशन है नई जनरेशन को पता होना चाहिए उनके पास्ट में क्या क्या कारनामे किए गए हैं। तो ये सब चीज़ें हैं, हमें ज़रूरी है, बट हिस्ट्री को आप इग्नोर भी करते हैं, ये सोच के कि इसमें ज़्यादा फन नहीं है, ज़्यादा ट्विस्ट नहीं है, बट सबसे ज़्यादा अगर मैं बोलूँ इंटरेस्टिंग कोई सब्जेक्ट है तो हिस्ट्री ही है। आपकी सब पूरी यूपीएससी प्रिपरेशन में आपको इतना ज़्यादा जानने को मिलता है, शायद आप नॉलेज जो नॉर्मल कॉलेज की पढ़ाई करते वहाँ पर आपको इतना पढ़ने को नहीं मिलता हिस्ट्री के बारे में, जितना यहाँ पर आपको सीखने को मिलता है। ओके, हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल जैसी भी, हाँ वो कैसे भी हो सकती है वो खुदाई की, कोई उसमें परेशानी की बात नहीं है, ठीक है। जिसके पास जो भी आपके रिसोर्सेज हो उसका आप यूज कर सकते हैं। देन यहाँ पे आप देखिए, ये कोडुमनाल एक्सकवेशन हुए हैं चेन्नई के पास में, और इसमें कैन सर्कल्स एक कुछ ऐसी टर्म है, ये टर्म आपको देखने में समझाऊंगी ये होता क्या है। कैन सर्कल्स मिले हैं यहाँ पे, और इसमें ये इरोड डिस्ट्रिक्ट में आता है, यहाँ पे इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन पता चल गई ऐसे। और इसमें देखो क्या क्या मिला है वो भी मैं दिखाऊंगी। देन ये कैन सर्कल्स होता है प्री हिस्टोरिक स्टोन। अब देखो प्री हिस्टोरिक की क्लास तो होनी थी जी आपकी, कल होनी थी, बट कल हमारी क्लास हो नहीं पाई, तो प्री हिस्टोरिक की जो क्लास है वो आपकी आने वाले कल में होगी, बीते हुए कल में नहीं हो पाई, तो यही है जी हमारा। देन यहाँ पे प्री हिस्टोरिक का मतलब होता है ऐसी चीजें, देखो हम पास्ट पढ़ते हैं, हम हिस्ट्री पढ़ते हैं वो ठीक है, बट हिस्ट्री में भी ऐसी हिस्ट्री हम पढ़ लें जिसका हमें पता नहीं हो किसने लिखा, किसने छोड़ा, किसने बनाया इसको, वो होता है प्री हिस्ट्री, जिसके बारे में कोई भी रिटर्न, कोई भी एक प्रॉपर ऑथेंटिक हमको सोर्स ना पता हो, ठीक है, जिसका हमें सोर्स ना पता हो। अच्छा जी अक्षय जी, मैं बहुत अच्छा पढ़ा दूँ तो प्लीज लाइक कर दीजिए जी क्लास को,
अब ये तो जी रोज एक कमेंट मिल जाता है, बट कमेंट नीचे कोई नहीं करता है, सब के सब लाइन से नालायक। ठीक है जी, तो नीचे भी आप कमेंट कर देते हैं तो थोड़ा सा और अच्छा लगेगा। जब आप क्लास खत्म होती है, होता क्या, आपके लाइव कमेंट्स चले जाते हैं और आपके जो नीचे कमेंट्स आप लिखते हैं वही रह जाते हैं जी। ठीक है, सो जिंदगी के बाद भी, जिंदगी के साथ भी, तो वो हमारा जो टैगलाइन है, वो आपके जो जो कमेंट्स हैं ये आप सालों सालों तक वहाँ पे अमर हो जाते हैं, तो आप अपना कमेंट जो है वहाँ पे छोड़ दीजिए, कैसा लगता है आपको क्लास। ठीक है, सो चलिए जोक सपाट, अब यहाँ पे देखते हैं। आप प्री हिस्टोरिक वो होता है जहाँ पे आपकी जो हिस्ट्री है ना, उससे भी पहले कुछ चीजें हुई है जिनके बारे में हमारे पास कोई भी बताने वाला नहीं है, कोई हमको वहां पे इंफॉर्मेशन देने वाला नहीं है, कोई हमको लिख के जाने वाला नहीं है कि हम पढ़ लेते जी वहां पे क्या होता था। ऐसी चीजें, ऐसी हिस्ट्री को हम क्या बोलते हैं, हिस्ट्री से भी पहले, मतलब प्री हिस्ट्री, हिस्ट्री से भी पहले। ओके, तो ये यहाँ पे समझ आ गया। अब इसमें क्या हुआ है, ये जो कैन सर्कल्स है ना, ये वही चीजें हैं जो हिस्ट्री से भी पहले की हैं, विच इज लीनियर अरेंजमेंट ऑफ पैरेलल मेगालिथिक स्टैंडिंग स्टोन्स। मतलब ये जो अरेंजमेंट दिख रही है आपको स्टोन्स की, ये लीनियर अरेंजमेंट जो है स्टोन्स की, ये आपकी जो मेगालिथिक, मतलब बड़े बड़े जो पत्थर होते हैं उनको जब साथ में लाइन में लगाया गया, तो वो एक तरह का इनका ये कैन सर्कल्स बोला गया है इनको। ये पिक्चर में यहाँ पे पूरा मैंने लगाया था, बट इसने अपने आप काट दिया, इसका कुछ सिस्टम था, मुझे समझ नहीं आया क्या किया इसने, क्योंकि पिक्चर ऐसा ही था, कंप्लीट था। ये जितने भी पिक्चर आज आपने देखे ना, बीच में से इन्होंने काट दिए अपने अकॉर्डिंगली, इन्होंने शेप में सेट कर दिया इसको। मैंने पूरा पिक्चर लगाया था, उसमें ये जो था, ये आप देख रहे हैं पूरे सर्कल्स ऐसे, ये पूरा सर्कल्स आपके यहाँ तक थे, ऐसे ऐसे पूरा ये बड़ा पिक्चर था, राइट। तो चलिए जी, पार्डन, मुझे आज माफ कर दीजिए। देन नेक्स्ट हम देखते हैं, इसके बाद ये आपका जो कैन सर्कल्स है, इसके बारे में और थोड़ा पढ़ते हैं। इसमें क्या होता था, फर्स्ट टाइम द डस्ट पॉट्स और बॉल्स, ये हमें मिली है कहाँ से, इस साइड से। बिगर साइज ऑफ बॉल्स सजेस्ट दैट द ग्रेव कुड बी अ विलेज हेड और अ हेड ऑफ अ कम्युनिटी। ग्रेव क्या होता थी, जो मरने के बाद जो दफनाते हैं। अब किसी का, अब बहुत सारे मूवी जॉनर्स, अगर किसी को जॉनर्स वो पसंद आता है हॉरर, मेरी तरह नहीं, मुझे हॉरर बहुत पसंद है। अगर मुझे जिंदगी में कभी थोड़ा बहुत भी टाइम मिलता है तो मैं हॉरर देखती हूँ, और मुझे इतना पसंद है, कितना भी आप डरावना दिखा दीजिए, मुझे मुझे बड़ा मजा आता है हॉरर देखने में। तो जी हॉरर की अगर बात करें तो ग्रेव वहीं से एक शब्द है, बहुत रिलेट करती हूँ मैं इससे। तो हॉरर, सॉरी, ग्रेवयार्ड जो होता है, मतलब क्या होता है कि आपका एक प्रॉपर जो कब्र है वो खोद दी जाएगी, और उसमें जो गांव का जो बड़ा मुखिया था, क्योंकि ये जो आपका साइज है इसका 10 पॉट उसके चारों तरफ रखे गए हैं उस ग्रेव के। सपोज यहाँ पे आपकी कब्र है और इसके चारों तरफ ये पॉट रखे गए हैं। ये जो सिस्टम है ना, ये इसीलिए थोड़ा सा ज्यादा ये ग्रेव इतनी फेमस है कि यहाँ पे हो सकता है कि गांव का मुखिया हो या कोई बहुत बड़ा संत महात्मा हो, उसकी ये यहाँ पे ग्रेव बनाई गई हो। ठीक है जी, हाँ जी, बरियल, बिल्कुल सही कहा। तो ये वो सिस्टम है, इस वजह से ये थोड़ा सा ज्यादा बड़ा बनाया गया है। फाइंडिंग ऑफ द साइट, इसमें क्या है, एनिमल स्कल मिले हैं, खोपड़ियां मिली हैं जी, और बीड्स, कॉपर स्मेल्टिंग यूनिट्स, और ये मड बॉल्स और द वर्कशॉप पॉटरीज, तमिल ब्राह्मी स्क्रिप्ट में ये मिली है। तो कहने का मतलब है, तमिल ब्राह्मी अगर स्क्रिप्ट है तो मतलब आसपास के टाइम का होगा, जहाँ पे स्क्रिप्ट थोड़ा सा डेवलपमेंट हुआ, स्क्रिप्ट बनी हुई है। ठीक है जी, तो हम वहां से ये समझ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट, अब इसमें प्रीवियस एक्सकवेशन इसी जगह पे क्या क्या हुए थे, इसमें आपका मिला था कोडूमनल रिवील्ड दैट मल्टी एथनिक ग्रुप्स लिव्ड इन द विलेज। पहले हमने ये खोज की थी कि इसी विलेज में बहुत सारी मल्टी कम्युनिटी, मतलब अलग अलग कम्युनिटी यहाँ पे मिलती है, रह चुकी है। इट ऑल्सो रिवील्ड दैट द साइट सर्व्ड एज द ट्रेड कम इंडस्ट्रियल सेंटर फ्रॉम 5th century BC और 1st century BC तक। मतलब लगभग यहाँ पे 4 to 5 centuries कंप्लीटली, 400 से 500 साल तक ये जो जगह है कोडूमल, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट आपका जो एक तरह से ट्रेड और आपका इकोनॉमिक एक्टिविटीज यहाँ पे बहुत होती थी। समझ आ गया, देखो कितना बोलना पड़ता है मुझे। ठीक है, देन इसके बाद एक और मेगालिथिक कल्चर की हम बात कर ले। मेगालिथ मतलब मेगा मतलब बड़ा, लिथ मतलब पत्थर। ठीक है, बड़ा पत्थर, ये आप याद रखना, कल भी आपको काम आएगा, बिकॉज कल मैं प्रीस्ट स्टार्ट करने वाली हूँ। देन यहाँ पे देखिए, अब मेगालिथ कल्चर में देखिएगा, ये आपका लार्ज स्टोन स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये आपका बरियल साइट होती है या आपका कमेमोरेटिव साइट्स होती है। मतलब ग्रुप में आपका बरियल जो किया जाता है वो होता है, और ये मेगालिथ मतलब बड़े बड़े पत्थर वहाँ यूज किए जाते हैं।
इसीलिए ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी होती है, ठीक है, समझ आ रहा है। चलिए जी, अब इसके बाद देखते हैं, द बरियल साइट्स आर द साइट्स विद एक्चुअल बरियल रिमेन्स सच एज, ये देखिए डॉलमेनॉइड साइट्स, बॉक्स शेप स्टोन बरियल चैम्बर्स और कैन सर्कल्स, स्टोन सर्कल्स विद डिफाइंड पेरिफेरीज एंड कैपस्टोन डिस्टिंक्टिव मशरूम शेप्ड बरियल चैम्बर्स फाउंड मेनली इन केरला। ठीक है, ये जो पर्टिकुलर बरियल के जो अलग अलग तरीके होते हैं, कोई कैन शेप होता है, मतलब कि आप बीच में आप बरियल कर देंगे, चारों तरफ पत्थर कर देंगे, ठीक है, और जो बॉक्स शेप्ड जो स्टोन बरियल होता है, मतलब पत्थर का ही आप बरियल की जगह बनाते हैं, वहां पे आप दबाते हैं उसको, ठीक है। तो अलग अलग तरीके हैं दबाने के, आदमी को मरने के बाद कोई कुछ करता है, बहुत पहले टाइम से ही चल रहा है जी, आज नहीं है ये, ठीक है जी। तो हॉरर बट हॉलीवुड वाले बॉलीवुड स्त्री जैसे नहीं, अच्छा जी। सीक्रेट ऑफ सनोली, मेरे पास सब्सक्रिप्शन नहीं था। अगर सीक्रेट ऑफ सनोली, मैंने इसका हिस्ट्री पढ़ लिया है बिकॉज इसलिए मुझे ज्यादा उसमें इंटरेस्ट नहीं था, एनिमेटेड था तो इसलिए मैंने इसमें इन्वेस्ट करना भी ठीक नहीं समझा। अब सनोली से ये है कि बागपत का एरिया जी, सोनीपत के पास में है वो, और वहाँ पे आपका बहुत पुराने टाइम पे हमें लगता है, हमें पता था ना कि वहाँ पे वॉरियर्स थे, ये बेसिकली इसका बेसिक स्टोरी है कि हम अपार्ट फ्रॉम हड़प्पा और बाकी सब जितनी भी डायनेस्टी हुई, तो हमें एक अलग से कुछ सोचने को मिला कि हमारे इंडिया में वॉरियर्स भी बहुत अच्छे से, और इवन विमेन वॉरियर्स वर देयर। तो ये सनोली का पूरा बैकग्राउंड में पढ़ चुकी हूँ, इंपॉर्टेंट था तो निकला था तो एक्सकवेशन में, सिंस 2005 इसका एक्सकवेशन चल रहा है, अभी फिर से 2017 में भी हुआ था, 18 में हुआ, तो ये कुछ डेवलपमेंट्स है। अब इसके बारे में अभी सिर्फ इस चीज के लिए मैं सब्सक्रिप्शन ले लूँ, ये तो जी कुछ समझ में बात नहीं आती है, ठीक है। तो मैंने बैकग्राउंड पता था, हिस्ट्री सब पता था, तो इसलिए मैंने इसका इस पर ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करना ठीक नहीं समझा, ठीक है जी। अरुण सिंह जी, ई हु इज विन, अच्छा जी, वेरी गुड, वेरी गुड आयुष जी। नेक्स्ट आप देखिए, अब है जी हमारे आषाढ़ी बीज। अब आषाढ़ी बीज जो हमारे ऑफकोर्स बंगालीज, उड़ियाज हैं, ये सब इससे बिलोंग कर सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं सॉरी। तो इसमें क्या होता है, प्राइम मिनिस्टर ने अभी लोगों को ग्रीट किया है आषाढ़ी बीज पे, द कच्छी न्यू ईयर। कच्छी न्यू ईयर मतलब आपका जो कच्छ का एरिया है मेनली, वहां पे आषाढ़ी बीज जो पर्टिकुलर, अच्छा जी टेलीग्राम पे अवेलेबल, क्या बात है, सारे पायरेटेड तरीके यही बता देंगे क्लास में। ओके चलिए जी, दीदी या दादा, अरुण जी प्लीज ये सब हमसे ना पूछिए जी, हम क्या बताएं, बताओ जी, हम कैसे बता सकते हैं कि बंगाल में क्या स्टेटस रहेगा या नहीं रहेगा, रहने वाला है या जो हो चुका है, पहले से ही निर्धारित है या बाद में निर्धारित होगा, हम क्या बता सकते हैं इसके बारे में, बताइए। हाँ अरुण जी क्लास को, अच्छा गुफरान जी, गुफरान तो मैंने नाम सुना हुआ लग रहा है मुझे, ऐसा लग रहा है आप क्लास में पहले भी आ चुके हैं। चैरियट फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया, वेरी गुड वेरी गुड, ओ क्या बात है। प्रखर को देखो, बुक्स या नॉवल पढ़ लो, बट हाउ कैन वी गेट दैट मच टाइम फ्रॉम आवर डेली जो बिजी शेड्यूल, वहां से कैसे टाइम निकाले एक पूरी बुक पढ़ने के लिए, छोटे से क्रक्स के लिए, टॉपिक के लिए, जो उनको पता है कि वो टॉपिक क्या है उसके लिए बुक पढ़े गए तो। हाँ जी, अरे अरुण जी हमें क्या पता, कौन हमें क्या पता, बताइए आप लोग डिसाइड करेंगे और टाइम विल टेल कि पूरे जो आपका जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन क्या होगा। चलिए उससे पहले बता देते हैं, आषाढ़ी बीज ये सेकेंड डे ऑफ शुक्ल पक्ष आषाढ़ महीने की हिंदू कैलेंडर के अकॉर्डिंग ये जो टाइम है, त्योहार है, ये आपका आता है और सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है जी। चलिए देन इसके बाद ये फेस्टिवल में क्या होता है, ये आपका जो कच्छ का एरिया है वहां से बिलोंग करता है, और इसमें मॉइस्चर इन द एटमॉस्फेयर इज चेक टू प्रिडिक्ट विच क्रॉप वुड डू बेस्ट इन द कमिंग मॉनसून। कितना इंटरेस्टिंग है, सुनिए सुनिए कितना इंटरेस्टिंग है, मॉइस्चर चेक किया जाता है आपकी जो भी जो यहाँ पे फसल हुई है, जो क्रॉप है, कि कौन सी क्रॉप इस साल मॉनसून में अच्छा करेगी, ठीक है, कौन सी क्रॉप जो है वो इस बार अच्छा करेगी। गुड वेरी गुड आंसर प्रखर, तो महान है हमारे, अपना स्टेटस देखकर स्टेटस आप जो है डिसाइड कर सकते हैं, वेरी गुड। चलिए इसके बाद
आपका ट्रेडिशनल न्यू ईयर के बारे में बात कर लेते हैं। आषाढ़ी बीज तो हमने देख लिया कच्छ में सेलिब्रेट होता है, इसके साथ साथ कुछ और ट्रेडिशनल न्यू ईयर है, जैसे आपका हिंदुओं के अकॉर्डिंग न्यू ईयर क्या है? हमें पता है चाइनीज न्यू ईयर किसको बोलते हैं, इस साल कौन सा एनिमल है जी, कोई बताएगा चाइनीज न्यू ईयर में? वैसे तो चाइना के बारे में ज्यादा बातें करना ठीक नहीं है। तो चाइनीज जो हमारा न्यू ईयर होता है उसमें किसी न किसी एनिमल को स्पेशली लिया जाता है हर साल, उसी तरीके से इंडिया में हर एक जगह का अपना न्यू ईयर होता है। अब यहाँ पे देखिए चैत्र शुक्ल प्रतिपदा, बहुत ही मतलब ट्रांसफॉर्मिंग सा नाम है, ये इतने ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नेम है, आपको याद भी करना होगा और यूपीएससी में इनसे रिलेटेड स्पेशली कल्चरल जो क्वेश्चन है रिलेटेड वो आपको जरूर पता होने चाहिए, बीइंग एन आईएएस, बीइंग अ सिविल सर्वेंट, बिकॉज आपको जाना कहाँ है, इन्हीं कम्युनिटीज में तो जाके आपको रूल करना है, ठीक है? नॉट रूल, आपको वहाँ पे जो अपना सर्विस है वो करना है, सर्विस देना है, ठीक है? तो इसी वजह से आपको पता होना चाहिए पर्टिकुलर। अब देखिए ये इट मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ न्यू ईयर ऑफ विक्रम संवत, ऑल्सो नोन एज द वैदिक हिंदू कैलेंडर। अब ये जैसे हमारा विक्रम संवत स्टार्ट होता है हिंदुओं में, वो आपका टाइम पीरियड यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है। कहाँ पे? यहाँ पे एम्परर विक्रमादित्य ने डिफीट किया था शाका, जो आपकी ट्राइब थी उनको हराया था, और वहीं से उज्जैन में कॉल्ड फॉर अ न्यू इरा, वहां से ही आपका जो नया इरा एक, जिसको हम क्या बोलते थे, विक्रम संवत बोलते थे अकॉर्डिंग टू हिंदू कैलेंडर, ठीक है जी। गुड़ी पड़वा, वेरी गुड, अभी बताएंगे गुड़ी पड़वा के बारे में। ये देखो गुड़ी पड़वा आ गया, नेक्स्ट गुड़ी पड़वा और उगाड़ी, मतलब ये यहाँ होता है आपका मेनली महाराष्ट्र में सेलिब्रेट किया जाता है, महाराष्ट्र के न्यू ईयर को गुड़ी पड़वा बोलते हैं, आपका पूरन पोली एंड ऑल, ठीक है। अभी देखिए सेलिब्रेट इन द मंथ ऑफ चैत्र शुक्ल प्रतिपदा एज पर द हिंदू लुनार कैलेंडर। लुनार से मतलब आपका जो क्या होता है जी, ओवर द मून, मून से रिलेटेड जो होता है, ठीक है। देन आपका डेक्कन रीजन में ये इंक्लूडेड कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, स्पेशली महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा मनाया जाता है, ठीक है जी। नेक्स्ट नवरे, अब नवरे आपका कश्मीर में मनाया जाता है, लुनार न्यू ईयर है ये भी, और कश्मीर में सेलिब्रेट किया जाता है फर्स्ट डे ऑफ द चैत्र नवरात्रस, ठीक है, ठीक है, चैत नवरात्रस। देन ये आपका साजिबू चेरोबा, ये मेनली मणिपुर में सेलिब्रेट किया जाता है, विच इज ऑब्जर्व फर्स्ट डे ऑफ मणिपुर लुनार लास्ट मंथ, ये शाजीबू विच फॉल्स ऑन द मंथ ऑफ अप्रैल एवरी ईयर, ठीक है। तो ये इंडिया में, अच्छा जी राजीव जी को पता है, क्या बात है। वेरी गुड प्रखर, और इसके साथ साथ आपका शैबू चर, वो ये तो आपको पता चल गया मणिपुर का है, और मणिपुर के बाद ये आपका है चेटी चांद। चेटी चांद में क्या होता है, ये सिंधी, सिंध का जो एरिया है मेनली सिंध बलूचिस्तान, जो इंडियन जो सिंधी है वो कम्युनिटी मनाती है चैत्र मंथ ऑफ काल, चैत इन सिंधी, ये द डे कमेमोरेट्स द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ द इश्ता देवा, ये उडेरो लाल, ये झूले लाल द पैट्रोन सेंट ऑफ सिंधी, ये झूले लाल जी हैं, झूलते रहते हैं, तो इनके नाम पे जो सिंधीज होते हैं बेसिकली जो कम्युनिटीज होती हैं वो इसको इनको सेलिब्रेट करती हैं, ठीक है। ये उनके जो मेनली जो गुरु हैं या जो आपके पैट्रन जो देवता है मेनली वो इसमें माने जाते हैं। बिहू में बहुत सारे बिहू होते हैं, ठीक है, और ये असम का सबको पता है जी बिहू के बारे में, किसको नहीं पता है, ओके। सो बिहू बेसिकली सेलिब्रेटेड इन 3 times ईयर इन पर्टिकुलर इन द स्टेट ऑफ असम, तो असम में सेलिब्रेट किया जाता है। रंगोली, रंगाली और बोहाग बिहू इज ऑब्जर्व इन अप्रैल, कोंगली और कटी बिहू ये अक्टूबर में, भोगली और माघ बिहू जनवरी में, तो 3 time पे बिहू होता है। भोगली बिहू इज द असमीज न्यू ईयर एंड स्प्रिंग फेस्टिवल। रोंगली आपका बिहू, ये आपका सिख न्यू ईयर बैसाखी के साथ मनाया जाता है। बैसाखी के बारे में भी बात कर लेते हैं, ये देखो जी बैसाखी आपका मेनली पंजाबी से रिलेटेड है जी, ठीक है, बैसाखी, और इससे बहुत बड़ा एक हमको वो भी याद आता है इंसिडेंट जो हो चुका है हमारे 1919 में, आप सबको पता है, ठीक है। तो यहाँ से बैसाखी का जो मेन जो पर्पस क्या है कि हार्वेस्टिंग फेस्टिवल है, और ये मेनली अप्रैल में सेलिब्रेट किया जाता है, और इसमें फार्मर्स का एक तरह से
जो नया साल है फार्मर्स, बिकॉज फार्मिंग कम्युनिटी रहती है मेनली पंजाब में, तो वो सेलिब्रेट करती है वैसाखी को. और ये रिलीजियस सिग्निफिकेंस है इसके, सिख कम्युनिटी एज द फाउंडेशन ऑफ खालसा, खालसा तब सेलिब्रेट हुआ था तो इसलिए इसका इंपॉर्टेंस है. पंथ वॉज लेड ऑन दिस बाय गुरु गोबिंद सिंह. गुरु गोबिंद सिंह कौन से गुरु थे बताया जाए तो ये लास्ट इनके गुरु हो जाएंगे. देन लूसुंग, लूसुंग ये आपका मेनली सिक्किम, सिक्किम में आपने बहुत सारा 26 जनवरी की परेड में ये प्रॉप्स देखे होंगे यूज करते हुए, ठीक है. तो ये आपका लूसुंग जो नया न्यू ईयर फेस्टिवल है, सिक्किम का न्यू ईयर मनाया जाता है. ओके बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है. तो चलिए इसके बाद आपका लूसंग आपने देख लिया है, हार्वेस्ट का है. इट इज मोस्टली सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ डिसम्बर, डिसम्बर में ये यूज सेलिब्रेट किया जाता है मेनली. अब देन नेक्स्ट ये आपका हो जाएगा, ये आपका नेमाशा 2020, ये एक तरह का ये मॉडर्न आर्ट, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट, ये न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज नेमाशा समर आर्ट फॉर्म, ये 8 जून 2020 को हुआ था से 3 जुलाई तक. और इसमें ऑर्डिनेंस ड्यूरिंग ये आउटब्रेक, मतलब इसकी वजह से थोड़ा सा न्यूज में था. तो आप ये जो फेस्टिवल है, स्पेशली नॉट फेस्टिवल, ये जो प्रोग्राम है, इवेंट है, इसको आप याद रखेंगे. नेशनल आर्ट गैलरी से रिलेटेड है ये, तो इसके बारे में थोड़ी सी और बातें मैं आपको बता देती हूँ. इसमें ये चांस टू पार्टिसिपेंट्स एंड एंथुजियास्ट टू क्रिएट लर्न फ्रॉम, ये प्रैक्टिसाइजिंग जो आर्टिस्ट है उनसे सीखने का मौका होता है. जो यंग लोग होते हैं, यंग स्टूडेंट्स, यंग जो यूथ है, उनको आर्ट में अगर किसी का इंटरेस्ट है तो ये फेस्टिवल में क्या हुआ था कि जितने जो ऑलरेडी जो वर्किंग आर्टिस्ट हैं उनसे आपको सीखने को मिलेगा, ठीक है. और यहाँ पे द प्रोग्राम इंक्लूड्स ऑनलाइन वर्कशॉप्स, सेशन ऑन पेंटिंग, स्कल्पचर, ये प्रिंट मेकिंग और इंद्रजाल एंड इंटरडिसिप्लिनरी क्रिएटिव वर्कशॉप. इसमें एग्जीबिशन में क्या होता है, ये आर्ट वर्क होता है. प्रोग्राम विल बी डिस्प्लेड ऑन सोहम, सोहम मतलब एक्सेल इसका लिटरल मीनिंग होता है, कल्चरल मीडिया प्लेटफॉर्म ऑफ ये NGME, ठीक है. इसी का एक प्लेटफॉर्म था सोहम, वहां पे ये दिखाया गया था. अब सोहम के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं. ये इसका जो फर्स्ट कल्चरल मीडिया प्लेटफॉर्म है इंडिया का, यहाँ पे मतलब कल्चर से रिलेटेड और आर्टवर्क से रिलेटेड जो भी चीजें मीडिया में दिखाई जाती है, तो सोहम उसका नाम है. हाँ हाँ जी नमस्कार. अच्छा जी सोनू जी नमस्कार, आप तो पहले भी आए हैं. तो हिंदी में मैं आपको बताती हूँ और नोट्स आपको इंग्लिश में मिलते हैं मेनली, ठीक है. तो हिंदी में आप बोलेंगे तो लेटर ऑन मैं इसको बायलिंगुअल कर दूंगी, करना भी मेरा थोड़ा कोशिश है कि मैं करूँ इसको, बहुत जल्दी ये हो जाएगा. ओके तो यहाँ से देखिए, अब चॉकलेटी जी ये तो पता नहीं कि आप कितनी चॉकलेट्स हैं आपके पास या नहीं है, या जो भी है आपने खुद को ही डिक्लेयर कर लिया है. तो बट आप क्लास में आए हैं तो प्लीज क्लास को लाइक कर दीजिए और क्लास में रहिए, सीखिए कुछ हमसे, ठीक है. तभी हमें लगेगा कि आपने जो नाम लिखा है उसका कुछ पर्पज है, ठीक है जी. आप पढ़ेंगे जितना लर्न करेंगे उतना ज्यादा अच्छा रहेगा. ये देखिए सोएम में क्या होता है, द प्लेटफॉर्म एम्स टू डेवलप अ डायलॉग बिटवीन NGME आर्टिस्ट एंड आर्ट एंथुजियास्ट, ये पढ़ लिया है. अब इसमें क्या होता है, इंस्पायर्ड बाय वैदिक फिलोसफी ऑफ सोहम विच स्टैंड्स फॉर वंस आइडेंटिटी एंड इट्स कनेक्शन टू द यूनिवर्स, ठीक है. यूनिवर्स का जो कनेक्शन है आर्ट फॉर्म से, आर्ट वर्क से, वो हमें यहाँ पे बताना है. अब सिटीजनशिप बुद्धा, अब इसमें मतलब क्या आपको सुनने, क्या कैसा लग रहा है आपको ये देखिए. अब बिल्कुल जयपुर में ये आर्ट गैलरी है, 1954 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था. इसका जी नेपाल हमारा पड़ोसी देश छोटा सा, और इंडिया में लड़ाई हो गई जी, हम लड़ेंगे जी, क्यों लड़ेंगे जी, खाली टाइम में कोविड कुछ नहीं हुआ तो चलो लड़ ही लेते हैं. तो जी हमने सोचा कि हम लड़े, अब क्यों लड़े कि हमारा, हमें लगता है कि बुद्धा हमारे यहाँ पैदा हुए थे और उनको लगता है कि बुद्धा सिटीजन हमारे हैं जी, लुम्बिनी नेपाल में है, इंडिया में थोड़ी है. तो उनको इंडिया और नेपाल के बीच में ये लड़ाई चल रही है जी लास्ट ईयर से, ठीक है. हाँ जी गुड मॉर्निंग सुनील जी, इतना लेट क्यों आए हैं, इतना लेट आए हैं तो अब लाइक्स को 80 तक पहुंचाने में आपको मदद करनी है, ठीक है जी. सुनील जी ये आपका काम है, लाइक्स को 80 तक करना है. ओके चलिए जी, हम अपना जो लाइक्स का डिमांड है और आपका जो टारगेट हो ऐसे बढ़ाते रहेंगे, और जितना टारगेट बढ़ेगा, बड़ा ऊपर जाएगा उतना ज्यादा अच्छा रहेगा. एक दिन आएगा, ऐसा दिन आएगा जब हम अपने लाइक्स जो है वो 100 कर देंगे, ठीक है जी. ठीक है
तो आप सुनील जी ये हमारा आप काम करेंगे आज 80 लाइक्स का, जो 4 ही बचे हैं, बस 4 ही बजे, ज्यादा नहीं है, 80 तक हो जाएगा फिर हम 100 मांग लेंगे। ठीक है जी, हमारा तो काम ही है। चलो अजय भी हंस रहे हैं। ये देखो नेक्स्ट हमारा है, कैन इंडिया क्लेम लेजिटिमेसी, मतलब क्या इंडिया ये क्लेम कर सकता है कि जी बुद्धा हमारे हैं, उधर से नेपाल बोल रहा नहीं जी बुद्धा हमारे हैं, अब जी बुद्धा किसके हैं, क्या इंडिया ये क्लेम कर सकता है और इस क्लेम में कितनी सच्चाई है जी। गुड मॉर्निंग अरुण जी, अगर पाकिस्तान ने अपना एक नया मैप निकाला तो महात्मा बुद्ध पाकिस्तान। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। ठीक है चलिए, अब इंडिया के क्या क्या पॉइंट्स हैं यहाँ पे ध्यान से सुनना। इंडिया ने बोला है कि रिलेटिवली स्मॉल पॉपुलेशन है बुद्धिस्ट की इंडिया में, और इंडिया में इतना ज्यादा पॉपुलर नहीं है बुद्धा बुद्धिज्म सॉरी जो धर्म है, एज कम्पेयर टू द अदर कंट्रीज, जो और भी साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज है वहां पे जितना पॉपुलर है। सुनील जी को मैंने एक बार बोला, सुनील जी ने कर दिया। आने वाले जितने भी मेरे टारगेट्स हैं ना, मैं सिर्फ सुनील जी को बताऊंगी और किसी को नहीं बताऊंगी, उनको बताने से ही मेरे सारे टारगेट्स पूरे हो जाते हैं। तो सुनील जी आपसे रिक्वेस्ट है, आप क्लास में रेगुलर आइए, हम अपने टारगेट्स सिर्फ आपसे शेयर करेंगे और किसी से शेयर नहीं करेंगे। ठीक है जी। ओके थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ओके इसके बाद अब यहाँ पे 3 जो रीजन है हमने वो दिए हैं कि बुद्धा इंडिया का क्यों होना चाहिए, सिटीजनशिप क्यों मिलनी चाहिए। इसका पहला रीजन है बुद्धिस्ट जो फेथ है ये इंडिया में ओरिजिनेट हुआ है, सिर्फ पैदा होने से धर्म थोड़ी बन गया, लुम्बिनी में पैदा हुए बट वहां पैदा होने से सिर्फ वो फेथ थोड़ी बन गया। ठीक है, अब जैसे कोई पर्सन है, कोई पैदा हुआ है इंडिया में रहता है युगांडा में, तो मतलब जो काम कर रहा है वो युगांडा में रह के कर रहा है ना, वो जरूरी थोड़ी कि इंडिया उससे रिलेट करे जी हमारा है हमारा है, सुंदर पिचाई हमारा है तो हम ही इसका सारा क्रेडिट लेंगे। अजी सुंदर पिचाई ने काम कहाँ पे किया है, उनको डेवलपमेंट, उनके माइंड को वो एनवायरमेंट कहाँ मिला, वो मैटर करता है ना। ठीक है जी चलिए जी। अच्छा रजत जी हम आपकी, अच्छा सपना है, अरे अरुण जी बोल रहे हैं 100 लाइक्स का सपना है तो पूरा कर लीजिए, यही है जी प्लेटफॉर्म, अगर 100 लाइक्स हो जाते तो वेल एंड गुड। ओके आप अपना सपना क्यों अधूरा रखिए, तो बहुत छोटा सपना है। ठीक है जी, तो सेकंड आपका ऑप्शन क्या है कि इंडिया हैज न्यूमरस साइट ऑफ इंपॉर्टेंस, जैसे मैंने आज ये कुशीनगर पढ़ाया, बुद्धा का गया पढ़ाया, तो ये क्या है, ये सब आपकी जितनी भी इंपॉर्टेंट साइट है ना ये इंडिया में है, इसलिए इंडिया क्लेम कर रहा है। थर्ड क्या है, इंडिया नर्चर्ड एन इमेज ऑफ बींग प्रोटेक्टर ऑफ द प्रोसिक्यूटेड थ्रू द प्रेजेंस ऑफ दलाई लामा एंड तिब्बतन पार्लियामेंट इन एग्जाइल, जब आपका जो चाइनीज जो मिलिट्री है मेनली बुद्धिज्म और तिब्बत पे जब उन्होंने कैप्चर करने की कोशिश की तो दलाई लामा वहां से जब आगे तो इंडिया ने उनको शरण दी थी, सबको पता है। तो इस वजह से भी बुद्धिज्म और बुद्धिज्म के जो जितने भी बड़े लीडर्स हैं उनको जब सपोर्ट देने की वजह से यहाँ पे इंडिया क्लेम करता है कि हमको ही ये जो सिटीजनशिप है मिलनी चाहिए। अब इंडिया नेपाल के रिलेशनशिप कैसे हैं ये सबको पता है कि लास्ट ईयर से क्या तबाही मचा रखी है इंडिया ने, नेपाल ने सॉरी, इंडिया ने तो मतलब इंडिया तो आराम से बैठा है जी पिछले 1-2 साल से, कोई कुछ हम नहीं कर रहे कुछ ज़्यादा, जो मेनली जो काम किया है वो तो हमारे जो हमारे एक्टिवली जो पड़ोसी हैं वो नेपाल जी कर रहे हैं जी। ठीक है, नेपाल और चाइना के साथ मिलके, तो यहाँ पे नेपाल जी क्या कर रहे हैं कि उन्होंने हिस्ट्री कल्चर और हेरिटेज, और स्पेशली अगर आप देखें तो नेपाली भी कहीं ना कहीं देवनागरी से ही आपका निकला है, देवनागरी का ही एक पार्ट है। तो यहाँ पे आप देखिए मेनली द रिलेशनशिप बिटवीन द टू कंट्रीज ये सबसे लो रेट पे है, मेनली लास्ट जितने भी आपके साल हुए आज़ादी के बाद नेपाल के साथ हमारा, तो नेपाल के साथ अभी फिलहाल हमारा रिलेशन इतना अच्छा नहीं है, जितना हम कल्चरली उनसे बिलोंग करते हैं उतना ज़्यादा अच्छा हमारा रिलेशन अभी फिलहाल नहीं है, बट पास्ट में हमने बहुत अच्छा रिलेशन शेयर किया है। तो नेपाल जी हमारे एक्स रह चुके हैं, ठीक है जी। नेपाल जी एक्स रह चुके, एक्स वाई जेड हमारे, ठीक है जी। तो आई होप आप समझ आ रहा है आपको। अच्छा जी वेरी गुड, ठीक है, भारतीय उप महाद्वीप से, अच्छा जी कैसे होते हैं ये, बट ये आपके सिर्फ जो मेनली करंट अफेयर्स और हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर है उनसे रिलेटेड है। देन आप देखिए इवन दो जो काठमांडू एंड न्यू दिल्ली हैव एक्सप्रेस्ड, ये क्या है, इन्होंने अपना जो इंटेंशन वो दिखाया है साथ रहने का, और इसी के साथ ये कंट्रोवर्सी जो है गौतम बुद्धा की ये डज नॉट हेल्प, मतलब इसमें कुछ हेल्प नहीं करेगा, ये कुछ खराब ही करेगा रिलेशन को। ठीक है जी, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे, कैसा लगा आपको आज का लेक्चर, और 88 लाइक्स, थैंक यू सो मच, ये सब आपकी ही जो है कर्मों का फल है। हमने कुछ नहीं किया है,
ठीक है जी, दिस इज ऑल अबाउट टुडे। आज का जो हमारा जो करंट अफेयर हुआ है, इसको आप प्लीज एक बार रिवाइज कीजिएगा, आपको मिलेगा इसका पीडीएफ और आपको मैं शाम तक ये मिल जाएगा, मैं जरूर ये प्रोवाइड कर दूंगी आपको पीडीएफ ग्रुप में भी और यहाँ पे भी। एग्जामपुर ऐप आप डाउनलोड कर लीजिए उसके लिए। दैट्स ऑल अबाउट टुडे। गुड मॉर्निंग सीपी जी, आप आए और हम जा रहे हैं, दिस इज सो बैड। और नीचे आप जरूर कॉमेंट करेंगे हाउ अबाउट द करंट अफेयर्स, डिड यू फील, ठीक है, आपको कैसा लगा करंट अफेयर्स का क्लास। ये नीचे आप जो कॉमेंट्स होते हैं वहां पे जरूर लिखेंगे, यहाँ पे जो लाइव कॉमेंट्स होते हैं इनका कोई फायदा नहीं है, ये आपके चले जाएंगे एक दिन इनका, ठीक है, बहुत जल्दी खत्म हो जाते हैं। बट जो हमारा कॉमेंट सेक्शन होता है वहां पे कॉमेंट आपके अमर हो जाते हैं, तो वहां पे आपको कॉमेंट करना है हाउ अबाउट द क्लास। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टूडे एंड थैंक यू सो मच। फर्स्ट टाइम वी हैव रीच्ड द टारगेट ऑफ 90 लाइक्स इन अ लाइव क्लास। 90 लाइक्स पहली बार हमने अपनी क्लास में रीच किया है, सो थैंक यू सो मच। ये दिस इज ऑल अबाउट, अच्छा बुरा बुरा, देखो चॉकलेट जी हमारा मतलब वो क्या कहते हैं, फन ले रहे हैं, मजा ले रहे हैं, ठीक है जी। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टूडे, थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे, बाय।